फ्रेंड्स, दोस्तों अभी तक आपने अगर हमारा चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो जल्दी से जल्दी चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिए दोस्तों ऐसा करने से हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा सबसे पहले तो शुरू करते हैं वीडियो हेलो फ्रेंड्स दोस्तों रीचर द ग्रेट इंडियन और रॉकेट बॉयज ये इस वीक रिलीज हुई वेब सीरीज के नाम है इन्हीं के बीच एक फिल्म भी आई है नेटफ्लिक्स पर नाम है लूप लपेटा फिल्म को बनाया है आकाश भाटिया ने और लीड में तापसी पन्नू ताहिर भसीन दिव्यंशु भट्टाचार्य और श्रेया धनवंतरी जैसे एक्टर्स हैं लूप लपेटा को उन्नीस में आई जर्मन फिल्म रन लोला रन का ऑफिशियल हिंदी रीमेक बताया जा रहा है यह फिल्म ओरिजिनल वाली की शॉर्ट टू शॉर्ट रीमेक है या एक बढ़िया अपडेशन अब इसी बारे में बात करेंगे रश्मि रॉकेट से तापसी पन्नू ने अपना एथलीट वाला मोमेंटम यहां भी जारी रखा है उनकी किरदार सभी एक एथलीट होती है एक रेस के दौरान उनके घुटने में इंजरी आ जाती है जिस वजह से उसका करियर खत्म हो जाता है यह बात सभी बर्दाश्त नहीं कर पाती और हॉस्पिटल की छत से सुसाइड करने की कोशिश करती है वहां उसे मिलता है सत्य नाम का लड़का है जो उससे बचा लेता है और दोनों में प्यार हो जाता है सत्य एक नंबर का बंडलबाज आदमी है मेहनत नहीं बल्कि किसी शॉर्टकट से अमीर बनना चाहता है अपने बॉस विक्टर के लिए काम करता है ऐसे ही एक बार विक्टर उसे किसी के पास से पचास लाख रुपए का बैग लाने को भेजता है और उसे अस्सी मिनट के अंदर वो बैग लाना है सत्या की लापरवाही के चलते उससे वो बैग खो जाता है अब सभी और उसके पास सिर्फ पचास मिनट है किसी भी तरह पचास लाख रुपए अरेंज करने के लिए सभी ऐसे में क्या करेगी यही फिल्म का मेन प्लॉट है लूप लपेटा भले ही एक कल्ट जर्मन फिल्म का रीमेक है लेकिन इसे इंडिया इंडिनाइज करने की कोशिश की गई है जैसे इसका मैथोलॉजी कनेक्ट सभी और सत्य की कहानी को सावित्री और सत्यवान की कहानी पर बेस किया गया है दोनों के नाम भी उन्हीं के नामों पर आधारित हैं। ऊपर से सत्या की जान का दुश्मन बना विक्टर लाल गाड़ी में घूमता है जिसके आगे बड़े सींग लगे हैं जैसे यमराज का रूपक हो एक सीन में सत्या सभी को सावित्री और सत्यवान की कहानी भी सुनाता है कि कैसे वो मौत के मुंह से उसे बचा लाई थी लूप लपेटा ने ओरिजिनल फिल्म को भी ट्रिब्यूट दी है जैसे एक सीन में सभी को लाल बालों वाली लड़की मिलती है लूप लपेटा की ओवरऑल फील करकी है जिसे फिर चाहे वो पॉपिंग कलर्स हो या फिर कैमरा मूवमेंट कुछ मूवमेंट्स हमने ह्यूमर के लिए भी बचा लिए जैसे एक जगह जूलिया नाम की लड़की की रॉबर्ट से शादी हो रही होती है कार्ड पर जूलिया वेड्स रॉबर्ट लिखा होता है मतलब सही वर्ल्ड प्ले पुलिस अपनी बंदूकों से गोली चलाती है तो पुरानी फिल्मों की तरह धाय धाएं, 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 धाएं वाली आवाज आती है लेकिन इस, इस सब के बीच मेकर्स ने एक बड़ी बात नजरअंदाज कर दी आपका कैमरा चाहे कितना भी अलग अलग तरीकों से मूव करता रहे या आपके शॉट्स कितने भी कलरफुल हों पर एक पॉइंट के बाद कहानी पर ध्यान जाएगा ही और यही बड़ा ब्लंडर हो जाता है फिल्म का मेन प्लॉट था कि 50 मिनट में सभी सत्या की हेल्प कैसे करेगी एक तो टाइम कम ऊपर से इतना बड़ा जुगाड़ सभी क्या करेगी सत्या कैसे बचेगा फिल्म किसी भी पॉइंट पर यह जिज्ञासा क्रिएट नहीं कर पाती कि आप इन सवालों का जवाब जानना चाहेंगे उन दोनों को अपनी इस भागा दौड़ के दौरान जो कैरेक्टर्स मिलते हैं फिल्म उनकी कहानी में अपना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करती है इस वजह से लेंथ भी बढ़ जाती है और प्लॉट के साथ इंसाफ भी नहीं हो पाता रन लौला रन ने अपने लीड किरदारों की बैक स्टोरी नहीं दिखाई लूप लपेटा इससे उलट करती है लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही अपने कैरेक्टर्स की जर्नी से ऑफ ट्रैक हो जाती है राइटिंग की कमजोरी पर एक्टर्स भी कुछ नहीं कर सकती तापसी का काम हर प्रोजेक्ट के साथ बेटर ही होता जा रहा है ऐसे में लूप लपेटा भी एक्सप्रेशन नहीं ताहिर बने हैं कम समझ वाला सत्या जो बिना सोचे काम करता है उसकी एक स्माइल है जिसे देखकर समझ आता है कि यह बंदा ज्यादा समझदार नहीं है ने पूरी फिल्म में उसके एक्सप्रेशन को तरीके से कैरी किया है लूप लपेटा कुछ मोमेंट आपको हंसाएगी, मजेदार लगेगी लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ मोमेंट्स के लिए दो घंटे दस मिनट की फिल्म देखने के बाद लगेगा कि सभी और सत्या की कहानी के अलावा हर चीज को स्पेस मिला है फिर बता दें कि लूप लपेटा को आप नेटफ्लिक्स पर देख रहे हैं अगर फिल्म की शुरुआत में ही यह नहीं बता दिया जाता कि यह फिल्म जर्मन फिल्म रन लोला रन का अधिकारित रिमिक है तो शायद कहानी की थोड़ी बहुत समानता के अलावा किसी को शक होने की कोई उम्मीद नहीं थी इसकी वजह है इसकी लेखकों की टीम विनय छावल प्रसिद्ध वेब सीरीज असुर और इरफान की अंतिम फिल्म अंग्रेजी में माध्यम के लेखक मंडली के सदस्य पुनीत चड्डा अर्नव नंदूरी और केतन पेडगांवकर के साथ निर्देशक आकाश भाटिया ने इस बेहतरीन रीमेक का ओरिजिनल भारतीकरण किया है कहानी में कई सतहें हैं और सबकी सब, सब मजेदार हैं इसलिए एक लेखक के बस तो थी नहीं लूप लपेटा मस्ती से भरी फिल्म है शहरी दर्शकों के लिए गोवा में बसी है लेकिन सुदे सुस्सेगा नहीं है चाल मस्तानी है और स्टोरी टेलिंग का अंदाज भी बेपरवाह मस्ती से भरा है फिल्म को थोड़ा ध्यान से देखिए तो शायद छुपे हुए कुछ मजेदार किससे नजर आएंगे फिल्म की कहानी और उसकी परतों में बहुत कुछ छिपाया गया है एक जर्मन फिल्म में सत्यवान सावित्री की कथा कैसे पिरोई गई है इसको समझने का अपना ही मजा है सत्यजीत और सबीना बोरकर यानी सत्य और सावी यानी सत्यवान और सावित्री जेंडर स्टीरियोटाइप का मजाक उड़ाते हुए ताहिर को सावित्री का किरदार करने को मिलता है नारद मुनि कहते हैं नारायण नारायण और आज के जमाने में उसकी जगह ले ली है नगद नारायण ने अच्छा इरादा हो तो काम ठीक ठाक हो जाता है यह बात तापसी को बहुत देर से समझ आती है और अपने दुखों का हरण करने के लिए किसी और से अपेक्षा रखना गलत है ये बात ताहिर को समझने में समय लगता है सावी अपनी मां की अंगूठी अपने पिता के समलैंगिक साथी की उंगली में देखती है प्यार आसान होता तो हर किसी को मिल जाता इसलिए जैकब और जोलिया की प्रेम कहानी में जैपक जैकब की टैक्सी का एक किरदार रखा गया है रन लोला रन की याद दिलाने के लिए एक सीन में लाल बालों वाली लड़की का भी शॉट है गोवा की गलियों में श्री ममलेश चरण चड्डा का ज्वेलरी शोरूम भी बनाया गया है जिसके दो बेटों की शोरूम लूटने की कवायद अलग चलती रहती है और अपनी गंदी हैंडराइटिंग की वजह से अपने बाप के हाथों पकड़े जाते हैं और टूटे घुटने वाले पेयर से तापसी जब कार का साइड व्यू मिरर तोड़ती है तो उसके पैर में दर्द होता है कितना छोटा और कितना महत्वपूर्ण ऑब्जेक्शन है बैकग्राउंड में अज्ञान भी एकदम सही समय पर आती है और ज्वेलरी शोरूम में एक अत्यंत नहीं भाषा का भजन नरेंद्र चंचल को ट्रिब्यूट देता सुनाई देता है फिल्म ध्यान से देखने से कई कई बातें नजर आती हैं तापसी पन्नू ने एक बार फिर महिला शक्तिकरण का झंडा बरदार किया है हालांकि इस बार वे यह स्वरूप थोड़ा अनोखा है ऐसा लगेगा ऐसा लगने लगा कि कुछ फिल्में अपने साइज और बजट की वजह से सीधे तापसी के दरवाजे पर पहुंच जाती है एक समय कंगना रानौत के साथ ऐसा होने लगा था लेकिन उनकी कुछ फिल्में फ्लॉप हो गई और कुछ उनका सभी के साथ व्यवहार फिल्मों वालों को पसंद नहीं आया तापसी की पिछली कुछ फिल्मों को देखें जैसे रश्मि रॉकेट हसीन दिलरुबा थप्पड़ सांड की आंख इन सब में किरदार तो अच्छे थे ही थोड़े फेमिनिस्ट भी थे और तापसी को इनको निभाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है काफी कुछ उनके मिजाज से मिलते जुलते किरदार है ताहिर राज भसीन लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे और अचानक पिछले दो महीनों से सभी जगह नजर आने लगे हैं पहले कबीर खान की फिल्म 83 में सुनील गवास्कर के रोल में दिखे फिर दो बड़ी बड़ी वेब सीरीज ये काली काली आंखें और रंजिश ही सही और अब लूप लपेटा कहां तो शॉर्ट फिल्म्स में काम करते थे और मर्दानी जैसी फिल्म में रानी मुखर्जी के सामने वे विलन के रूप में घिन पैदा कराने वाले रोल में नजर आने के बाद अब भी ताहिर को लीड हीरो का बड़ा रोल पाने में टाइम लग गया देर आयद दुरुस्त आयद फिल्म में एक और कलाकार है जिसको कि अभी तक ठीक से कोई इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है दिव्यन्दू भट्टाचार्य उनके फिल्मी करियर का पहला महत्वपूर्ण रोल था अनुराग कश्यप की फिल्म ब्लैक फ्राइडे में गेड़ा याकूब का कई फिल्मों में काम करने के बाद उन्हें ओटीटी प्लेटफॉर्म की वेब सीरीज करने के अवसर मिलने लगे और पिछले तीन चार वर्षों में वो एक दर्जन वेब सीरीज में अच्छा काम करते नजर आ रहे हैं फिल्म में चार गाने हैं अलग अलग संगीतकारों के हैं ये वो संगीतकार हैं जो इंडिपेंडेंट म्यूजिक ज्यादा करते हैं इसलिए लाजवाब कंपोजिशन और लिरिक्स होने के बावजूद गाने हिट नहीं होंगे एक एक गाना चुन चुन कर बनाया गया और मुफीद है बैकग्राउंड म्यूजिक बनाया है बंद द जैम रूम राहुल पैस नरिमन खंबाटा ने जो इस फिल्म की हाईलाइट की श्रृंखला में एक और कड़ी है एक आप जगह गाली गलौच है हिंदी में और कई जगह गाली गलौच है अंग्रेजी में गोवा में कॉमन सी बात है एक बात तो कभी हजम नहीं होती वो है तापसी का कैसीनो पहुंच जाना और दाव खेलकर जुए में जीत जाना जबकि कोई संयोग नहीं होता जिसमें वो कैसीनो पहुंच सकती है खैर छोटी सी बात है और ताहिर का किरदार शुरू से जुआरी है इसलिए उसे अनदेखा किया जा सकता है ताहिर के किरदार की कोई बैक स्टोरी नहीं है जबकि तापसी की है इसलिए अखरता है लेकिन फिल्म तापसी की वजह से देखी जाएगी यह भी सत्य है निर्देशक आकाश भाटिया ने इसके पहले एक्सल एंटरटेनमेंट की क्रिकेट पर बनी बहुत चर्चित वेब सीरीज इनसाइड एज के कुछ एपिसोड डायरेक्ट किए थे यह उनकी पहली फिल्म है बहुत ध्यान से लिखी है बहुत ध्यान से है और हर डिपार्टमेंट पर उनकी पैनी नजर रही है ऐसा साफ नजर आता है कई शॉर्ट फिल्मों के सेनोमेटोग्राफर यश खन्ना ने कैमरे से जादू उतार दिया है गाय रिची की फिल्मों जैसे स्नैच लॉक स्टॉक एंड टू स्मोकिंग बैरल्स या फिर मैथ्यू वॉन की लेयर केक जैसी स्टोरी टेलिंग का मजा इस फिल्म में देखने को मिलता है एडिटर प्रियंक प्रेम कुमार ने फिल्म को कस के रखा है और शायद इसी वजह से इंस्पेक्टर डेविड के किरदार की एंट्री सीधे ही हो गई है और ताहिर के किरदार को कोई बैक स्टोरी नहीं है इस एडिटिंग की वजह से आप कुछ भी मिस करने से कतराएंगे फिल्म का एक और रंगीन पहलू है आर्ट डायरेक्शन संतोष विश्वकर्मा का और प्रोडक्शन डिजाइन प्रदीप पॉल फ्रांसिस और दिया मुखर्जी का गोवा की खूबसूरती या गंदगी शूट करने से बचे हैं और फिल्म की कहानी पर ही ध्यान रखा है निर्देशक आकाश भाटिया और लेखक मंडली की जीत है लूप लपेटा क्योंकि इसमें रीमेक की आत्मा पर का नया ढांचा चढ़ाया गया है। गौर करने वाली बात है कि अंग्रेजी में लूप की स्पेलिंग में थ्री ओ दिखाए गए हैं और कहानी भी तीन तरीकों से खत्म होती है तापसी पन्नू और ताहिर राज भसीन की फिल्म लूप लपेटा हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है इस फिल्म की हर तरफ काफी तारीफ भी हो रही है अब हाल ही में नेटफ्लिक्स के द्वारा एक इंटरव्यू आयोजित किया गया जिसमें तापसी पन्नू और ताहिर राज भसीन ने कई सारे खुलासे किए और फिल्म से जुड़े एक्सपीरियंस को भी शेयर किया ताहिर फिल्म से सत्या की भूमिका निभा रहे हैं जो सट्टेबाजी करता है तापसी पन्नू ने लूप लपेटा कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हुए कहा कि हॉलीवुड में यह कॉन्सेप्ट काफी पहले से है तापसी ने कहा कि हिंदी में इस कॉन्सेप्ट को ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया तापसी ने बताया कि यह फिल्म जर्मनी की क्लासिक कल्ट फिल्म रन लोला रन की आधारित हिंदी रीमेक है तापसी ने कहा कि वहीं से टाइम लूप के कॉन्सेप्ट को लेकर पूरा इंडियनाइज किया गया है इसको इंडियन कैरेक्टर और आज का टाइम डालकर उससे एक नई फिल्म फिल्म बनाई गई है तापसी के अनुसार फिल्म आपको रियलिटी से दूर ले जाती है इसलिए तापसी को ऐसी फिल्में करना पसंद है और रियल लाइफ में देखने को नहीं मिलता तापसी आगे बताती है कि इस फिल्म के लिए उन्हें सेम लोकेशन पर सेम सीन को तीन बार शूट करना पड़ा ऐसे में उनका कहानी कहना है कि तीन फिल्मों को काम एक ही फिल्म में करा गया आपको तीन पिक्चर एक ही फिल्म में देखने को मिलने वाली है फिल्म के शूट के बारे में बात करने करते हुए तापसी ने कहा मैंने जो यूनिफॉर्म पहनी है न पिक्चर के अंदर 90 परसेंट सीन में मैंने वही कॉस्ट्यूम पहन रखी है उसमें मेरा आग लगाने का मन था क्योंकि तापसी को अपने आप को देखकर अजीब सा लग रहा था सेम लुक के अंदर खुद को ऐसे देख पाना तापसी के लिए आसान नहीं था तापसी के अनुसार उन्हें गोवा की सड़कों पर दो हफ्तों तक यूं ही दौड़ाया गया रोज सुबह से शाम तक भाग रही थी लेकिन तापसी का कहना है कि सेम चार्ज को तीन अलग तरीके से करना बिल्कुल आसान नहीं होता है ऐसे में तापसी के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था एक ही लोकेशन पर एक ही चीज को तीन बार कर पाना वहीं ताहिर ने कहा कि जब आप एक ही चीज को तीन बार करते हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दर्शक बोर ना हो जाएं भारत जैसी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था नेटफ्लिक्स को अपने पैर जमाने में बहुत मुश्किल हो रही है ये इसके अमेरिका में बैठे आला अफसर भी मानने लगे हैं यहां नेटफ्लिक्स के मुंबई दफ्तर में हर तिमाही कोई ना कोई बड़ा विकेट गिरता रहता है किसी को समझ नहीं आ रहा कि किस विभाग में क्या हो रहा है पीआर एजेंसीज भारतीय भाषाओं के समाचार माध्यमों को अंग्रेजी में मेल पर भेज मेल भेजती रहती हैं। उनको पता है कि संवाद जब तक देसी भाषा में न हो उत्पाद और उपभोक्ता का रिश्ता नहीं बनता लेकिन कोई किसी की यहां सुनने वाला दिखता नहीं अपना खुद को ओ ऐप सोनी लेव चलाने वाली कंपनी सोनी पिक्चर्स को भी पता है कि उन्होंने क्या बनाया है और तभी उसे फिल्म लूप लपेटा को बजाय अपनी कंपनी की ओ पर दिखाने के उसे नेटफ्लिक्स पर डंप करना बेहतर लगता है करण जौहर ये पहले ही खूब कर चुके हैं अब बारी दूसरे फिल्म निर्माताओं की है नेटफ्लिक्स है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा उसके मुंबई के अफसर इंडिया में रहते हैं और अपनी सोच की कहानियां दिखाना चाहते हैं भारत को वह भी सबसे ज्यादा कीमत वसूल करके कोरोना संक्रमण काल ने ओटीटी को और डिजिटल दुनिया को खूब तरक्की दी है लेकिन तरकी जितनी तेजी से ऊपर गई है इसके अब वहां कुछ देर ठहरने के बाद फिर नीचे आने की आशंकाएं भी हैं लोग मोबाइल टीवी, लैपटॉप से उबने लगे हैं मेटा जैसी कंपनी इसके झटके महसूस करने लगी है और फिल्म लूप लपेटा इसके झटके नेटफ्लिक्स के वे दर्शक महसूस करने लगे हैं जो महीने के करीब पाँच रुपए और साल के करीब छः हजार इसे देते हैं आपके पास काटने को ढेर सारा समय हो और फिल्म लूप लपेटा मुफ्त में देखने को मिले तो भी सौ बार सोचना जरूरी है कहानी इसकी पूरी फिल्म है हकीकत से चूंकि इसके तार जुड़ते नहीं है इसलिए बार बार दिमाग को यह समझाना पड़ता है कि हां फिल्म ही देख रहे हैं भाई पेरिमेंटल फिल्म के नाम पर इसमें मेहनत खूब है तकनीकी टीम को इसके लिए दाद भी मिलनी चाहिए लेकिन तापसी पन्नू के प्रशंसकों के लिए इसमें कुछ खास नहीं है अस्पताल की छत पर खड़ी सावी को सत्या मिलता है सावी उससे पहले अपने बाथरूम में नशा करते दिखती है सावी है सत्या है तो दोनों को मिलना ही था और फिल्म बनानी है तो एक कहानी भी होनी ही चाहिए लेकिन हिंदी सिनेमा का यह गर्तकाल चल रहा है इस दौर के निर्देशक कहानियों के लिए लेखकों के पास नहीं जाते वे लेखकों को बुलाते हैं कहीं से उधार ली गई कहानी पर मेहनत करने दुनिया भर के क्रिएटिव इनपुट आते हैं सिर शेर का पूछ बिल्ली की बदन तेंदुए का और आवाज किसी की भी हो सकती है और इतने सारे दिमाग मिलकर जब कोई फिल्म बनाते हैं तो यह फिल्म लूप लपेटा ही हो सकती है ये विचार कोई तीन दशक पुराना है जर्मन फिल्म की रीमेक बनाते समय फिल्म लूप लपेटा के मेकर्स ने न हिंदुस्तानी सोच के दायरे में खुद को बांधा है और न ही उनको यह पता है कि इस फिल्म का दर्शक कौन है फिल्म लूप लपेटा तापसी पन्नू की चौथी फिल्म है जो सिनेमा घरों की बजाय सीधे ओटीटी पर रिलीज हो जा रही है बड़े पर्दे पर वह आखिरी बार फिल्म थप्पड़ में दिखी थी और अब जो हालात बन रहे हैं उसमें उनकी अगली फिल्म सिनेमाघरों में कौन सी आएगी ये कौन बनेगा करोड़पति जैसा सवाल हो चुका है उन्नीस में रिलीज हुई जर्मनी की क्लासिक कल्ट फिल्म लोला रन लोला रन की इस आधिकारिक हिंदी रीमेक में तापसी पन्नू ने मेहनत तो खूब की है जहां उन्होंने अपना काम रश्मि रॉकेट्स में छोड़ा यूं लगता है इस फिल्म में उसे वहीं से पकड़ लिया है किरदार उनके अलग अलग जदूर हो रहे हैं लेकिन अभिनय में दोहराब अब दिखने लगा है फिल्म लूप लपेटा एक्सपेरिमेंटल थ्रिलर फिल्म है माना जा सकता है लेकिन नेटफ्लिक्स के दर्शकों से महीने का पैसा लेते समय यह नहीं बताया जाता कि अगले महीने उनको क्या दिखाया जाने वाला है ये एक तरह से ग्राहक के साथ छल भी है कुछ कुछ वैसा ही जैसा सावी अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए इस फिल्म में करती है इसी से अलग अलग तरह की परिस्थितियों बनती है और हालात के इस जाल में दोनों कैसे निकलते हैं इसी इतनी सी कहानी है और बस इतनी में दर्शक गोल 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 घूमता रहता है यश खन्ना ने कैमरे के जितने एंगल जितने मूवमेंट हो सकते थे सब कर लिए हैं प्रियंका प्रेम कुमार ने एडिटिंग में अपने सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं फिल्म का गीत संगीत भी एक्सपेरिमेंटल ही है और इसके नतीजे आपको अगले महीने तक भी याद रह जाएंगे तो बड़ी बात होगी तापसी पन्नू और ताहिर राज भसीन की फिल्म लूप लपेटा नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है फिल्म में तापसी सवी नाम की एथलीट लड़की का किरदार निभा रही है जो अपने बॉयफ्रेंड की वजह से मुश्किल में फंस जाती है सवि को 50 मिनट में 50 लाख रुपए जुटाने हैं ताकि उसके बॉयफ्रेंड की जान बच सके अब क्या सवी ऐसा कर पाएगी या नहीं और कैसी है यह फिल्म जानने के लिए पूरी वीडियो देखते रहिए सोचो अगर आपको एक ही दिन में बार बार जीने का मौका मिले तो क्या होगा आप उसे एक ही तरह से जिएंगे या कुछ अलग करेंगे कुछ देर में ही पक जरूर जाएंगे अब सोचो कि अगर आपकी जान पर आ बनी हो और आपके पास खुद को या अपने अपनों को बचाने के लिए सिर्फ पचास मिनट का ही समय हो और फिर आप लूप में फंस जाए तो क्या होगा यही तापसी पन्नू की नई फिल्म लूप लपेटा में होता है यह कहानी है सवि यानी सवीना बोरकर की जो एक एथलीट है सवीना रेस में दौड़कर गोल्ड जीतना चाहती थी लेकिन घुटना टूटने और अपना सपना बर्बाद होने के बाद से अलग ही इंसान बन गई है अस्पताल की छत पर सवीना की मुलाकात होती है सत्या उर्फ सत्यजीत से जो जिंदगी में खूब पैसा कमाना चाहता है इसलिए सत्य जुआ खेलता है और रोज किसी ना किसी से पिटकर घर आता है सत्य का सपना है कि वह किसी दिन सभी को साथ लेकर स्टॉकहोम से हेलसिंकी फेरी राइड पर जाएगा लेकिन ना तो उसके पास ऐसा करने के लिए पैसा है और ना ही किस्मत बहुत अच्छी है पैसों की चाहत सत्य और सभी की जिंदगी में आग लगा देती है यूजलेस सत्य अब जिंदगी और मौत के बीच खड़ा है उसे अपनी जान बचाने के लिए किसी भी हालत में 50 मिनट में 50 लाख रुपए लाने हैं इसीलिए वो सभी की मदद मांगता है और उसकी जिंदगी लूप लपेटे में फंस जाती है लूप लपेटा तो तापसी पन्नू और ताहिर राज भसीन की जोड़ी काफी सही है लेकिन फिर भी कुछ कमी है दोनों के काम अच्छा किया है दोनों का टपोरी स्टाइल भी काफी दिलचस्प है लेकिन मजा नहीं आया फिल्म में दिव्येंदू भट्टाचार्य राजेंद्र चावला श्रेया धनवंतरी केसी शंकर मानिक पपनेजा और भूपेश बंदेकर जैसे कलाकारों ने सपोर्टिंग रोल निभाए हैं सभी ने अपना काम अच्छे से किया है अप्पू गप्पू के रोल में मानिक और भूपेश काफी इंप्रेसिव है सभी को एक ही दिन को बार बार जीने देखना दिलचस्प है लेकिन किरदारों का एक ही बात को 50 बार बोलना का एरिटेटिंग लगता है फिल्म में हर किरदार एक दूसरे के सामने शब्दों को दोहराता ही नजर आ रहा है 50 लाख की बात होती है तो किरदार एक दूसरे से अलग अलग एक्सप्रेशन इमोशन में पचास लाख ही बोलने लग जाते हैं कोई ब्रो बोलता है तो उसकी सुई वही अटक जाती है फिल्म में थ्रिल है और काफी अच्छे कॉमिक पल भी हैं, लेकिन कई जगह पर आप इसे देखते हुए बोर हो सकते हैं डायरेक्टर आशीष भाटिया की कोशिश अच्छी है लेकिन यह फिल्म और बेहतर हो सकती थी साल उन्नीस सौ में रिलीज हुई रन लोला रन को दुनिया भर में कल्ट का दर्जा प्राप्त है फिल्म रन लोला रन ने भाषा की बाउंड्री तोड़कर दुनिया भर को दर्शकों का मनोरंजन किया था रन लोला रन का ट्रीटमेंट दर्शकों को इतना पसंद आया था कि उन्होंने इसे दिल खोलकर प्यार दिया था नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई तापसी पन्नू और ताहिर राज भसीन की नई फिल्म लूप लपेटा रन लोला रन की रीमेक है लेकिन क्या है क्या यह वही इतिहास दोहरा पाई आइए आपको यही बात बताते हैं फिल्म की कहानी सत्या की जिंदगी के आसपास घूमती नजर आती है जिसने गलती से अपने बॉस के 50 लाख रुपए गवा दिए हैं सत्या अपनी स्मार्ट गर्लफ्रेंड सभी के साथ ऐसा प्लान चाहता है जिससे एक घंटे के अंदर 50 लाख रुपए की कमाई हो सके इस भागदौड़ में सत्य और सभी जिससे भी मिलते हैं उनकी जिंदगी भी प्रभावित होने लगती है क्या सभी अपने बॉयफ्रेंड सत्या को एस, कोई ऐसा प्लान दे पाएगी जिससे उसकी जान बच सके यह जानने के लिए आपको पूरी फिल्म देखनी होगी फिल्म लूप लपेटा में ताहिर राज भसीन ने कमाल की एक्टिंग की है वो हर प्रोजेक्ट के साथ और बेहतर होते जा रहे हैं ताहिर को अपने साथी कलाकारों देवेंदु श्रेया राजेंद्र मानिक राघव भूपेश का भी भरपूर साथ मिलता है अदाकार तापसी पन्नू की बात करें तो वो भी अच्छा काम करती नजर आती है लेकिन उनके पिछले कुछ प्रोजेक्ट देखकर लगता है कि वो इन दिनों हर फिल्म में खुद को ही प्ले कर रही हैं। तापसी उम्दा कलाकार है जिस कारण उनसे बड़ी उम्मीदें लाजमी हैं। डायरेक्टर आकाश ने लूप लपेटा को भारतीय दर्शकों के मुताबिक बनाया है जिसके लिए उनकी तारीफ होनी चाहिए वो उलझी हुई नहीं उलझी हुई कहानी नहीं वो पर्दे पर सुलझकर पेश कर पाए हैं फिल्म में गांव का फ्लेवर भी है जो लूप लपेटा के कॉन्सेप्ट पर एकदम फिट बैठता है यश खन्ना का कैमरा वर्क शानदार है जिसे राहुल और निर्माण खंबाटा के बैकग्राउंड स्कोर का भरपूर साथ मिलता है रन लोला रन जैसी कल्ट फिल्मकारी में करना कोई आसान काम नहीं है आकाश ने लूप लपेटा बनाकर बड़ा रिस्क उठाया है जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हुए हैं लेकिन वो स्तर नहीं छू पाए जो रन लोला रन का है भारतीय दर्शकों को लूप लपेटा पसंद आएगी लेकिन यह फिल्म उन पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाएगी फिल्म लूप लपेटा का कंसेप्ट थोड़ा अलग है जिसे एडिट टेबल पर थोड़ा और समय दिया जाता तो यह फिल्म 10 मिनट और छोटी हो सकती थी लूप लपेटा एक एंटरटेनिंग मूवी है जिसमें शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिलती है रन लोला रन को आकाश ने अलग अंदाज में बनाया है जिससे देख हंसी आती है रन लोला रन एक कल्ट मूवी है उसके जैसी उम्मीदें लूप लपेटा से रखना गलत है हम अपनी ओर से लूप लपेटा को अच्छे नंबर दे रहे हैं मोहब्बत होने में एक लम्हा लगता है लेकिन उम्र गुजर जाती है वो लम्हा भुलाने में जिंदगी को कोई एक लम्हा कैसे सिर के बल खड़ा कर देता है फेसबुक पर मिलने वाली ऐसी शायरियों से आप भी जान सकते हैं फिल्म लूप लपेटा भी एक घटना पर किसी लम्हे में अलग अलग दी गई प्रतिक्रियाओं से नतीजों में आने वाले बदलाव की फिलॉसफी समझाती है अंग्रेजी में इसे बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं मतलब यह कि अगर किसी बात के प्रारंभिक बिंदु में हल्का सा भी बदलाव हो जाए तो उसकी स्पेस और स्पीड दोनों बदल जाते हैं अगर यह बातें समझने में लच्छेदार लगे तो आप नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई तापसी पन्नू ताहिर भसीन की लूप लपेटा देखकर इन्हें समझ सकते हैं यह फिल्म उन्नीस में आई जर्मन फिल्म रन लोला रन का हिंदी रीमेक है बॉलीवुड के रीमेक भरोसे हो जाने की बहस इधन तेज है और यहाँ मूल आइडिया के अकाल को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि दुनिया भर में कामयाब रही और खूब देखी गई इस जर्मन फिल्म को अपने यहाँ तेईस साल बाद नए सिरे से बनाया गया है हालांकि राहत की बात सिर्फ इतनी है कि चार लेखकों की टीम ने पटकथा पर कड़ी मेहनत करते हुए इसका सफलतापूर्वक हिंदीकरण किया है उन्होंने रन लोला रन का बाहरी फ्रेम ज्यो का त्यों लेते हुए इसे हिंदी पौराणिक आख्यानों में मिलने वाली सत्यवान सावित्री की कहानी में पिरो दिया है इस आख्यान में मृत्यु के देवता यम सत्यवान के प्राण हरने के बाद उसे यमलोक ले जाने लगते हैं और सावित्री अपनी बुद्धिमता से उसने पति के प्राणों को वापस लेकर सत्यवान को नया जीवन दिलवाती है लूप लपेटा भी यही है पृष्ठभूमि गोवा की है सत्या एक तेज रेस्तरा में काम करता है जिसका मालिक विक्टर क्रूर और अपराधी है एक दिन वह सत्या को एक व्यक्ति से पचास लाख रुपए लाने की जिम्मेदारी देता है सत्या को कसीनो में जुआ खेलने की लत है लेकिन वह जुए में नहीं बल्कि एक अजीब हादसे में नोटों से भरा बैग खो देता है सत्या को विक्टर ने पहले ही पिस्तौल देकर भेजा था कि खाली हाथ आने के बजाय तुम खुद को गोली मार लेना सत्य अपनी गर्लफ्रेंड सावी को फोन करके हादसा बयां करता है अब घंटे भर में पचास लाख रुपए नहीं मिले तो मौत तय है सावी क्या करे वह कहां से लाएगी घंटे भर में पचास लाख यहीं से कहानी उड़ान भरती है और सावी भविष्य में होने वाली सत्या की मौत देखती है क्या सावी बदल सकेगी अपनी आंखों के आगे दिख रहे भविष्य को क्या यह सिर्फ सपना है या हकीकत किसी ख्वाब की तरह उसकी आंखों के आगे तैर रही है सच क्या है पचास लाख का फेर क्या सिर्फ सत्य के साथ है या फिर और भी किरदार इस लूप में है कथानक में भारतीय हो जाने के बावजूद लूप लपेटा अपने कैमरा वर्क कलर और मेकिंग में यूरोपियन फिल्म जैसा आभास देती है लूप लपेटा पूरी तरह से तापसी पन्नू के फिल्म के रूप में सामने आती है उन्होंने फिर साबित किया है कि वह अकेले दम पर कहानी में जान फूंक सकती है उन्होंने यहां लंबे किसिंग सीन और अंतरंग दृश्य देने में भी परहेज नहीं किया है लूप में दोहराती हुई घटनाओं में ताहिर एक समय के बाद असर खो देते हैं लेकिन तापसी ऊर्जावान मौजूदगी को लगातार दर्ज कराती है उन्होंने इस फिल्म को फीका पड़ने से बचाया है क्योंकि आप घटनाओं को थोड़ी हेर फेर से कहानी में तीन बार देखते हैं और ऐसे में तापसी हर बार घटनाओं को मोड़ने की कोशिश में कुछ अलग करती नजर आती है लूप लपेटा में कसावट है लेकिन दोहराव की वजह से इसमें कई जगहों पर पूर्वानुमान बहुत आसान है अतः कहानी के रोमांच से खुद को जोड़े रखने में दर्शक को प्रयास करना पड़ता है कहानी में एक रोचक ट्रैक दो भाइयों का है जो पैसों के लिए अपने सख्त ज्वेलर पिता को लूटने का इरादा रखते हैं और हर बार नाकाम होते हैं दोहराव के अतिरिक्त लूप लपेटा की समस्या यह है कि इसमें घटनाएं बहुत थोड़ी हैं इस बात का निर्देशक ने ध्यान रखा होता तो फिल्म की लंबाई कम हो सकती थी जो कहानी यहां 130 मिनट के लगभग जाती है वह मूल फिल्म में मात्र इक्यासी मिनट में दिखा दी गई थी घटनाओं का फैलाव और अनावश्यक संगीतमय स्थितियों लूप लपेटा को कमजोर करती हैं। बावजूद इसके यह फिल्म एक बार देखी जा सकती है इसमें कम से कम वह थ्रिल है जो हाल की कई फिल्मों से गायब है फिल्म की कहानी सावी और उसके बॉयफ्रेंड सत्या की है सावी एक पूर्व रनर है और सत्या एक जुआरी है सत्या को एक लुटेरे को 50 लाख रुपए की मोटी रकम चुकानी है इस रकम को लाने के लिए और अपने बॉयफ्रेंड सत्या की जान बचाने के लिए सावी को केवल 50 मिनट मिलते हैं सावी कैसे अपने बॉयफ्रेंड की जान बचाती है यही लूप लपेटा की कहानी है लूप लपेटा जर्मनी फिल्म रन लोला रन का हिंदी अडेप्शन है यह कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है भले ही लूप लपेटा ओरिजिनल फिल्म से लगभग एक घंटा लंबी है लेकिन यह ओरिजिनल फिल्म की तरह दर्शकों को बांधे रखने में कामयाब हो जाती है फिल्म की ज्यादातर शूटिंग गोवा में हुई है हालांकि शुरू से ऐसा लगता है कि किरदारों स्थापित करने में कुछ जल्दबाजी दिखा दी गई है लेकिन एक बार फिल्म शुरू हो जाती है तो ऑडियंस कहानी के साथ जुड़ जाएगी फिल्म के राइटर्स विनय चावला अर्नव नंदूरी और आकाश भाटिया ने किसी कसी हुई कहानी लिखी है सिचुएशन कॉमेडी सीन बढ़िया बने हैं तापसी पन्नू अपनी फिल्मों में अलग अलग तरह के किरदार निभाने के लिए मशहूर हो चुकी हैं इस बार भी तापसी ने एक अलग तरह का किरदार निभाया है सावी के किरदार में तापसी ने जान डाल दी है पूरी फिल्म में वो भागती हुई नजर आ रही हैं। हर फिल्म के साथ तापसी खुद को एक काबिल एक्ट्रेस के रूप में साबित कर करती जा रही हैं। ताहिर राज भसीन ने अपने सत्या के किरदार को ठीक ठाक निभाया है सपोर्टिंग कास्ट की एक्टिंग भी बढ़िया है पसू पन्नू के फैन और एक अलग तरह की थ्रिलर कॉमेडी फिल्म देखना चाहते हैं तो इसे मिस मत करिए एंटरटेनमेंट का तड़का लगाने के लिए और आपके बोरिंग दिन को और खास बनाने के लिए हम आपके लिए इस वीकेंड रिलीज हुई धमाकेदार सीरीज और फिल्मों के रिव्यू लेकर आ चुके हैं इस वीकेंड तीन फिल्में टॉप चार्ट में शामिल है ऐसे में कौन सी फिल्म देखने लायक है या नहीं ये उलझन हमने आपकी सुलझा दी है हमने तीनों सीरीज को देखने के बाद यह रिव्यू तैयार किए हैं जिसके सहारे आप यह फैसला ले सकते हैं कि इस पर आपको अपना कीमती वक्त देना है या नहीं मोहब्बत होने के मोहब्बत होने में एक लम्हा लगता है लेकिन उम्र गुजर जाती है वो लम्हा भुलाने में जिंदगी को कोई एक लम्हा कैसे सिर के बल खड़ा कर देता है फेसबुक पर मिलने वाली ऐसी शायरियों में आप भी जान सकते हैं लूप लपेटा पूरी तरह से तापसी पन्नू की फिल्म में के रूप में सामने आती है उन्होंने फिर साबित किया है कि वह अकेले दम पर कहानी में जान फूंक सकती हैं जो कहानी यहां 130 मिनट के लगभग जाती है वह मूल फिल्म में मात्र इक्यासी मिनट में दिखा दी गई है इच्छा नियति और भाग्य के बीच का समीकरण बहुत उलझा हुआ है आप इच्छा करते हैं नीयत अपना रोल निभाती है और भाग्य का अपना खेल होता है इस उलझाव को लूप लपेटा में दर्शाया गया है यह जर्मन फिल्म रन लोला रन का हिंदी रीमेक है जो उन्नीस में रिलीज हुई थी लूप लपेटा में कहानी को थोड़ा बदलाव के साथ पेश किया गया और समय के लूप में फंसे दो प्रेमियों की कहानी दर्शाई गई है सावी एक एथलीट है लेकिन चोट की वजह से उसके सपने टूट गए अस्पताल की छत से छलांग लगाकर आत्महत्या करने ही वाली थी कि उसे सत्या बचा लेता है वह कहता है कि तुम मर नहीं रही बल्कि जो जीवन जी रही हो उसे खत्म करने जा रही थी सत्या को जिंदगी में एक ऐसा मौके की तलाश है ताकि वह अमीर बन जाए इसी शॉर्टकट के चक्कर में जुआ खेलना उसकी आदत बन गई है सावी और सत्या साथ रहने लगते हैं एक दिन सावी को सत्या का फोन आता है कि उससे 50 लाख रुपयों का बैग गुम हो गया है यदि 50 मिनट में पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो उसका बॉस उसका काम तमाम कर देगा सावी अपने बॉयफ्रेंड को बचाने और पैसों का इंतजाम करने के लिए गोवा की सड़कों पर दौड़ पड़ती है उसकी रेस समय के साथ है इस कहानी के साथ दूसरी कहानियां भी हैं दो मूर्ख बेटे अपने पिता की ज्वेलरी शॉप लूटने की योजना बना रहे हैं एक टैक्सी ड्राइवर इस बात पर गुस्सा है कि उसकी गर्लफ्रेंड की दूसरे लड़के से शादी हो रही है एक उत्साही पुलिस वाला है ये सारे किरदार सावी और सत्या से टकराते हैं और इनकी कहानी आपस में जुड़ जाती है कहानी लूप लपेटा चलती है यानी के सत्य को बचाने के लिए सावी निकलती है और गलतियां हो जाती हैं इसके बाद कहानी वहीं से फिर से शुरू होती है और सावी कुछ गलतियां सुधारती भी है तीसरी बार सावी फिर से रिस्टार्ट करती है एक ही कहानी को तीन बार लूप में चलाता हुआ दिखाया गया है रन लोला रन का हिंदी संस्करण विनय छावल केतन पेंड गावर गावकर आकाश भाटिया और अर्णव नंदूरी ने मिलकर किया है सत्यवान और सावित्री की पौराणिक कहानियों को उन्होंने इससे जोड़ा है और मुख्य किरदारों के काम भी यही दिए हैं सावित्री ने सत्यवान के जीवन के लिए यमराज से लड़ाई की थी यहां पर सत्या की लाइफ बचाने के लिए सावी निकल पड़ती है एक्सपेरिमेंट फिल्मों के साथ दिक्कत यह बड़ी है कि एक तरह का जुआ है जो भारत में जो खतरा राजा मौली ने उठा लिया वैसे विरले मिलते हैं सो इस बार रिस्क उस मूवी पर लिया गया जो जर्मनी में पहले ही बनाई जा चुकी है रन लोला रन ऑफिशियल रीमेक है सो कहानी की तो कोई दिक्कत नहीं थी फिर भी डायरेक्टर्स को चार चार लेखक रखने पड़े कि उस स्टोरी को कायदे से भारतीय माहौल में ढाल पाए इसलिए बैकड्रॉप गोवा को चुना गया ताकि विदेशी स्टाइल बरकरार रखने में कोई दिक्कत ना आए लेकिन बावजूद इसके कई बार आपका मन होता है कि बकवास मूवी है उठ जाओ बंद करो फिर कहीं ना कहीं लगता है कि ये तो देख लो कि क्लाइमैक्स में क्या होता है आपको ये मूवी बार बार बीच में बकवास क्यों लगती है उसकी वजह है इसका टाइटल लूप लपेटा अब विस्तार से तो मूवी देखकर ही समझा जा सकेगा कहानी है कि एक ऐसी लड़की सावी जो अपने औस्तन बुद्धू बॉयफ्रेंड सत्या को एक अजीब सी टाइम बाउंड मुश्किल में निकालना चाहती है यानी अगर 50 मिनट में 50 लाख रुपयों का इंतजाम नहीं हुआ तो सत्यजीत का राम नाम सत्य ऐसे एक लाइन की बड़ी साधारण सी कहानी है लेकिन में जो लूप लपेटा लगता है कि हर घटना आपको कई कई बार झेलनी पड़ेगी सो कहानी में तो कुछ है ही नहीं लेकिन किरदार काफी है सावी के पापा हैं जो गे हैं एक टैक्सी ड्राइवर रॉबर्ट है जिसका गर्लफ्रेंड जूलिया की शादी हो रही है एक पुलिस इंस्पेक्टर है जो हर बार सावी के रास्ते में आता है एक ज्वेलर है जिसके दोनों बेटे उसे लूटना चाहते हैं एक डॉन है जो सत्या को पचास लाख की डिलीवरी लाने भेजता है सावी के एक अंकल हैं जो कुछ बोलते नहीं हैं और सावी के घर का बाथरूम है जिसमें टॉयलेट सीट के ऊपर एक शीशा लगा है जिसके सामने डग लेते हुए तापसी के सीन से हर बार कहानी शुरू होती है अब चूंकि भारतीय माहौल में ढालना आसान नहीं था तो पूरी मूवी को नौजवानों पर फोकस किया गया और स्टाइल इमरान खान की मूवी डेली बेली से ली गई गानों को उसी ट्रुथफुल अंदाज में लिया फिल्माया गया टाइटल सॉन्ग समेत दो तीन गाने आपको पसंद भी आएंगे सबसे दिलचस्प था सत्यवान सावित्री की कहानी को लेना तभी तो तापसी का नाम सावी और ताहिर भासीन का नाम सत्य है हां दिल्ली-बेली से गालियां थोड़ी कम है लेकिन उसी तरह पैकेट पहुंचाने की भागम भाग जरूर है मूवी बस तीन पायदानों पर टिकी है पहली तापसी पन्नू दूसरी इसको नौजवानों से जोड़ना और तीसरा कहानी से ज़्यादा विजुअल एक्सपीरियंस देने की कोशिश करना सो so, एडिटिंग और सिनेमेटोग्राफी पर काफ़ी मेहनत हुई है लेकिन आम किस्म के दर्शकों को शायद ही पसंद आए बहुत लोग इस मूवी को आधे घंटे के अंदर भी छोड़ सकते हैं क्योंकि सीन कई सारे ऐसे रचे गए हैं जो सिचुएशनल कॉमेडी भी लगते हैं बल्कि डायरेक्टर ही बेवकूफ नजर आता है ऐसे में कभी तो लगता है कि भारतीय रीमेक बनाने के चक्कर में फिल्म खिचड़ी बन गई है सो अगर आपको एक्सपेरिमेंट्स पसंद है कुछ अलग देखने का मन है तापसी पन्नू के फैन हैं तो मूवी आपके लिए है। आप रिस्क ले ना लें लेकिन इस मूवी को देखकर यह जरूर लगता है कि तापसी भी कंगना की तरह हीरोइन को जज्बों देने वाली एक्सपेरिमेंट्स फिल्में ज्यादा करने के मूड में है जो उनका रिस्क है तो पक्का आपकी अपनी मर्जी है सिर्फ एक लम्हा लगता है लाइफ बदलने में और उस लम्हे में आप क्या करते हो सब कुछ उस पर निर्भर करता है लूप लपेटा इसी एक लम्हे और उस फिल्म में लिए गए फैसले की कहानी है लूप लपेटा क्लासिक जर्मन फिल्म रन लोला रन की आधिकारिक हिंदी रीमेक है हालांकि ओरिजिनल फिल्म में यहां कुछ ज्यादा बदलाव किए गए हैं जो सबसे बड़ा बदलाव है वो फिल्म की अवधि लूप लपेटा ओरिजिनल फिल्म से लगभग एक घंटा ज्यादा लंबी है फिल्म की कहानी का मुख्य बिंदु है टाइम लूप जो उसे अलग अलग तरीकों से पचास लाख का जुगाड़ करने और जिंदा रहने के लिए सावी को तीन प्रयास देता है टाइम के खिलाफ यह थ्रिलर कॉमेडी रेस कैसे सुलझती है यही है लूप लपेटा पचास लाख पचास मिनट और एक यूजलेस बॉयफ्रेंड की जान मेरे भरोसे है रन सावी रन और वो गोवा की सड़कों और गलियों में दौड़ती है सावी एक एथलीट है एक दुर्घटना की वजह से उसे अपनी जिंदगी पिछली जिंदगी को छोड़ना पड़ता है और अब वह है अपने बॉयफ्रेंड सत्यजीत उर्फ सत्या के साथ सत्या का मानना है कि जिंदगी बदलने के लिए एक दिन ही काफ़ी होता है और इसलिए वो रोज कसीन हो जाता है उसका मानना है कि किसी ना किसी दिन तो उसकी लॉटरी लगेगी खैर लॉटरी तो नहीं लगती लेकिन सत्या की जिंदगी में एक दिन ऐसा आता है जब वो जिंदगी और मौत के बीच खड़ा होता है उसे अपनी जान बचाने के लिए पचास लाख का जुगाड़ करना है और सिर्फ पचास मिनट में इसके लिए वो सावी की मदद मांगता है अब सावी कैसे उसकी जान बचाती है बचा भी पाती है या नहीं यही है फिल्म की कहानी क्या होगा यदि जिंदगी आपको चीजों को सुधारने और मौत से बचने के लिए तीन प्रयास देगी आकाश भाटिया के निर्देशक में बनी लूप लपेटा ऐसी ही कहानी कहती है सावित्री और सत्यवान की पौराणिक कथा ये सावी और सत्या की जिंदगी को जोड़ना काफ़ी दिलचस्प है फिल्म में सस्पेंस फैक्टर काम करता है लेकिन कुछ कॉमेडी पार्ट जाते हैं चेज सीन या पीछा करने वाले सीन भी कहीं कहीं काफ़ी लंबे हैं लूप लपेटा और रीजनल फिल्म से एक घंटे लंबी है और यह बात फिल्म देखने के दौरान भी महसूस होती है फिल्म टाइम लूप दिखाती है, लिहाजा जाहिर है कि एक, एक ही दृश्य कई बार सामने आते हैं लेकिन यहां रोमांस की कमी है खैर परफॉर्मेंस और तकनीकी पक्ष फिल्म को बचाते हैं तापसी पन्नू फैंस के दिल में अपनी हर फिल्म के साथ कुछ नया कुछ अलग करने की उम्मीद जगाती हैं और वो यहां निराश नहीं करती हैं साबी के किरदार में वो फिल्म को मजबूत बनाती हैं वहीं ताहिर राज भसीन ने अपने अभिनय से खासा इंप्रेस किया है इनके अलावा फिल्म में श्रेया धनवंतरी राजेंद्र चावला समीर केविन राय और दिव्यन्दु भट्टाचार्य ने महत्वपूर्ण सहायक भूमिकाएं निभाई हैं सभी कलाकारों ने अपने किरदार के साथ न्याय किया है संगीत इस फिल्म में एक महत्वपूर्ण निभाता है यह कहानी के गतिशील होने का आभास देता है राहुल पायस और नरिमन खम्भ्टा ने फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर दिया है जो कि काफी अच्छा है फिल्म के गाने कहानी के साथ ही चलते हैं लिहाजा कहीं भी कहानी में रुकावट नहीं लगते हैं आकाश भाटिया केतन पेडगांवकर विनय छवल और अर्णव नंदूरी ने फिल्म की पटकथा और संवाद पर काम किया है ओरिजिनल फिल्म से लगभग एक घंटे लंबी लूप लपेटा अपने किरदारों को स्थापित करने में काफी समय लेती है क्योंकि ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर आई है बता दें इस ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर टाइम लूप से जुड़ी कई फिल्में और शोज हैं ऐसे में लूप लपेटा कुछ नया और एक्सपेरिमेंटल नहीं दिखाती है लेकिन हां हिंदी फिल्मों के दर्शकों को यह शैली अभी भी उपेक्षाकृत नहीं है यश खन्ना की सिनेमेटोग्राफी काफी प्रभावी है वहीं प्रियंका प्रेम कुमार ने एडिटिंग में अच्छा काम किया है कॉमेडी थ्रिलर सस्पेंस में कुछ अलग कुछ नया देखना चाहते हैं तो लूप लपेटा एक बार जरूर देखी जा सकती है फिल्म में तापसी पन्नू और ताहिर राज भसीन ने बहुत अच्छा काम किया है बॉलीवुड को इस मंझी हुई अभिनेत्री बन चुकी हैं तापसी पन्नू पिछले कुछ सालों में उन्होंने अपने किरदारों से हर किसी को प्रभावित किया है उनकी हर फिल्म में उनका किरदार कुछ अलग और खास होता है तापसी अब वैसी ही फिल्में चुनती हैं जिनमें उनके किरदार को एक मुख्य किरदार की तरह पेश किया जाता है पिछले कुछ सालों से उनके द्वारा किए गए फिल्मों को देखा तो वो चाहे हसीन दरबा हो या रश्मि रॉकेट इनमें से एक में वो सभी मुख्य किरदारों के बराबर के रोल में थी वहीं दूसरे में मुख्य भूमिका में थी दोनों फिल्मों में उनके अभिनय की तारीफ हुई थी एक बार फिर तापसी एक और दमदार किरदार के साथ दर्शकों के बीच आ चुकी हैं उनकी फिल्म लूप लपेटा आज नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है उनकी फिल्म में उनके साथ ताहिर राज भसीन भी नजर आ रहे हैं तापसी पन्नू और ताहिर राज भसीन की ये फिल्म लूप लपेटा फिल्म रन लोला रन की अडोप्टेशन है इसमें भारतीय मैथोलॉजी का तड़का लगाया गया है एक तरह से देखा जाए तो ये पूरी तरह से उसी फिल्मकार पर आधारित है उस फिल्म को देखे हुए दर्शकों को बहुत हद तक इस फिल्म में समानता नजर आएगी फिल्म की कहानी दो अलग अलग किरदारों की है जिनकी अपनी अपनी लाइफ में बहुत मुसीबतें हैं तापसू अब अप, तापसी अपनी जान देना चाहती है कोशिश करती है पर सफल नहीं हो पाती उसकी जिंदगी में ताहिर राज भसीन की एंट्री होती है लव के साथ साथ नई मुसीबतें आनी शुरू हो जाती हैं ताहिर की वजह से एक बार फिर दोनों मुसीबत में फंसते हैं और लव के चक्कर में तापसी भी इनमें उलझ जाती है अब इस पूरी फिल्म में तापसी कैसे ताहिर को इस क्राइम के दलदल से निकालती है उसी की कहानी है कहानी इतनी सी जरूर है पर इसमें ट्विस्ट और टर्न बहुत सारे हैं फिल्म में तापसी का काम पहले की तरह ही बेहतरीन है वो रिपीटेड लगने से इस बार थोड़ा सा बच गई है उन्होंने फिल्म में अपने किरदार को बोल्डरी बोल्डली निभाया है ताहिर एक ऐसे अभिनेता हैं जो अपना रेंज दिखा रहे हैं छिछोरे में जो काम किया था वो उससे और आगे ही बढ़ते जा रहे हैं उनकी हर फिल्म और प्रोजेक्ट में उनका काम लोग नोटिस कर रहे हैं यहां भी कम के लगे हैं डरे सहमे परेशानी निकलने के लिए हाथ पैर मारते लड़के के किरदार को बखूबी निभाया है दिव्यन्दू भट्टाचार्य ने भी बहुत शानदार काम किया है इस बार वो कुछ अलग कर रहे हैं सारे किरदारों को अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं निर्देशक अच्छा है आकाश भाटिया की तारीफ की जानी चाहिए उन्होंने फिल्म बाकी कहानी अलग ना होने के बावजूद दर्शकों को बांधने में सफल रहे हैं नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है और कुछ नया मिल नहीं रहा तो इसे देखने में क्या ही हर्ज है फिल्म आपको एंटरटेन करेगी कुछ शानदार की उम्मीद मत रखिएगा अगर आपने रन लोला रन जिसकी यह हिंदी अपडेटशन है उसे देखी है तो यह फिल्म आपको बिल्कुल सरप्राइज नहीं करेगी हाँ अंदाज और यहां के किरदार आपको मजेदार लग सकते हैं तो अगर कुछ बहुत स्पेशल नहीं है आपके पास तो इसे आप देख सकते हैं रश्मि रॉकेट से तापसी पन्नू ने अपना एथलीट वाला मोमेंटम यहां भी जारी रखा है उनकी किरदार सभी एक एथलीट होती है एक रेस के दौरान उनके घुटने में इंजरी आ जाती है जिस वजह से उसका करियर खत्म हो जाता है यह बात सभी बर्दाश्त नहीं कर पाती और हॉस्पिटल की छत से सुसाइड करने की कोशिश करती है वहां उसे मिलता है सत्या नाम का लड़का है जो उससे बचा लेता है और दोनों में प्यार हो जाता है सत्य एक नंबर का बंडलबाज आदमी है मेहनत नहीं बल्कि किसी शॉर्टकट से अमीर बनना चाहता है अपने बॉस विक्टर के लिए काम करता है ऐसे ही एक बार विक्टर उसे किसी के पास से 50 लाख रुपए का बैग लाने को भेजता है और उसे 80 मिनट के अंदर वो बैग लाना है सत्या की लापरवाही के चलते उससे वो बैग खो जाता है अब सभी और उसके पास सिर्फ पचास मिनट है किसी भी तरह पचास लाख रुपए अरेंज करने के लिए सभी ऐसे में क्या करेगी यही फिल्म का मेन प्लॉट है लूप लपेटा भले ही एक कल्ट जर्मन मेक है, लेकिन इसे इंडिया इंडियनाइज करने की कोशिश की गई है जैसे इसका मैथोलॉजी कनेक्ट सभी और सत्या की कहानी को सावित्री और सत्यवान की कहानी पर बेस किया गया है दोनों के नाम भी उन्हीं के नामों पर आधारित है ऊपर से सत्या की जान का दुश्मन बना विक्टर लाल गाड़ी में घूमता है जिसके आगे बड़े सींग लगे हैं जैसे यमराज का रूपक हो एक सीन में सत्या सभी को सावित्री और सत्यवान की कहानी भी सुनाता है कि कैसे वो मौत के मुंह से उसे बचा लाई थी लूप लपेटा ने ओरिजिनल फिल्म को भी ट्रिब्यूट दी है जैसे एक सीन में सभी को लाल बालों वाली लड़की मिलती है लूप लपेटा की ओवरऑल फील करकी है जिसे फिर चाहे वो पॉपिंग कलर्स हो या फिर कैमरा मूवमेंट कुछ मूवमेंट्स हमने ह्यूमर के लिए भी बचा लिए जैसे एक जगह जूलिया नाम की लड़की की रॉबर्ट से शादी हो रही होती है कार्ड पर जूलिया वेड्स रॉबर्ट लिखा होता है मतलब सही वर्ल्ड प्ले पुलिस अपनी बंदूकों से गोली चलाती है तो पुरानी फिल्मों की तरह धाए 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 धाएं धाए धाए वाली आवाज आती है लेकिन इस बार इस सब के बीच मेकर्स ने एक बड़ी बात नजरअंदाज कर दी आपका कैमरा चाहे कितना भी अलग अलग तरीकों से मूव करता रहे या आपके शॉट्स कितने भी कलरफुल हों पर एक पॉइंट के बाद कहानी पर ध्यान जाएगा ही और यही बड़ा ब्लंडर हो जाता है फिल्म का मेन प्लॉट था कि 50 मिनट में सभी सत्या की हेल्प कैसे करेगी एक तो टाइम कम ऊपर से इतना बड़ा जुगाड़ सभी क्या करेगी सत्या कैसे बचेगा फिल्म किसी भी पॉइंट पर जिज्ञासा क्रिएट नहीं कर पाती कि आप इन सवालों का जवाब जानना चाहेंगे उन दोनों को अपनी इस भागा दौड़ के दौरान जो कैरेक्टर्स मिलते हैं फिल्म उनकी कहानी में अपना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करती है इस वजह से लेंथ भी बढ़ जाती है और प्लॉट के साथ इंसाफ भी नहीं हो पाता रन लौला रन ने अपने लीड किरदारों की बैक नहीं दिखाई लूप लपेटा इससे उलट करती है लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही अपने कैरेक्टर्स की जर्नी से ऑफ ट्रैक हो जाती है राइटिंग की कमजोरी पर एक्टर्स भी कुछ नहीं कर सकते का काम हर प्रोजेक्ट के साथ बेटर ही होता जा रहा है ऐसे में लूप लपेटा भी एक्सप्रेशन नहीं ताहिर बने हैं कम समझ वाला सत्य जो बिना सोचे काम करता है उसकी एक स्पाइल है जैसे देखकर समझ आता है कि यह बंदा ज्यादा समझदार नहीं है ताहिर ने पूरी फिल्म में उसके एक्सप्रेशन को तरीके से कैरी किया है लूप लपेटा कुछ मोमेंट आपको हंसाएगी मजेदार लगेगी लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ मोमेंट्स के लिए दो घंटे दस मिनट की फिल्म देखने के बाद लगेगा कि सभी और सत्या की कहानी के अलावा हर चीज को स्पेस मिला है फिर बता दें कि लूप लपेटा को आप नेटफ्लिक्स पर देख रहे हैं अगर फिल्म की शुरुआत में ही यह नहीं बता दिया जाता कि यह फिल्म जर्मन फिल्म रन लोला रन का अधिकारित रिमिक है तो शायद कहानी की थोड़ी बहुत समानता के अलावा किसी को शक होने की कोई उम्मीद नहीं थी इसकी वजह है इसकी लेखकों की टीम विनय छावल प्रसिद्ध वेब सीरीज असुर और इरफान की अंतिम फिल्म अंग्रेजी में माध्यम के लेखक मंडली के सदस्य पुनीत चड्डा अर्नव नंदूरी और केतन पेडगांवकर के साथ निर्देशक आकाश भाटिया ने इस बेहतरीन रीमेक का ऑरिजिनल भारतीकरण किया है कहानी में कई सतहें हैं और सबकी सब, सब मजेदार हैं इसलिए एक लेखक के बस तो थी नहीं लूप लपेटा मस्ती से भरी फिल्म है शहरी दर्शकों के लिए गोवा में बसी है लेकिन सुदे, सुसे गाद नहीं है है चाल मस्तानी है और स्टोरी टेलिंग का अंदाज भी बेपरवाह मस्ती से भरा है फिल्म को थोड़ा ध्यान से देखिए तो शायद छुपे हुए कुछ मजेदार किस्से नजर आएंगे फिल्म की कहानी और उसकी परतों में बहुत कुछ छिपाया गया है एक जर्मन फिल्म में सत्यवान सावित्री की कथा कैसे पिरोई गई है इसको समझने का अपना ही मजा है सत्यजीत और सबीना बोरकर यानी सत्य और सावी यानी सत्यवान और सावित्री जेंडर स्टीरियोटाइप का मजाक उड़ाते हुए ताहिर को सावित्री का किरदार करने को मिलता है नारद मुनि कहते हैं नारायण नारायण और आज के जमाने में उसकी जगह ले ली है नगद नारायण ने अच्छा इरादा हो तो काम ठीक ठाक हो जाता है यह बात तापसी को बहुत देर से समझ आती है और अपने दुखों का हरण करने के लिए किसी और से अपेक्षा रखना गलत है ये बात ताहिर को समझने में समय लगता है सावी अपनी मां की अंगूठी अपने पिता के समलैंगिक साथी की उंगली में देखती है प्यार आसान होता तो हर किसी को मिल जाता इसलिए जैकब और जोलिया की प्रेम कहानी में जैपक जैकब की टैक्सी का एक किरदार रखा गया है रन लूला रन की याद दिलाने के लिए एक सीन में लाल बालों वाली लड़की का भी शॉट है गोवा की गलियों में श्री ममलेश चरण चड्डा का ज्वेलरी शोरूम भी बनाया गया है जिसके दो बेटों की शोरूम लूटने की कवायद अलग चलती रहती है और अपनी गंदी हैंडराइटिंग की वजह से अपने बाप के हाथों पकड़े जाते हैं और टूटे घुटने वाले पेयर से तापसी जब कार का साइड व्यू मिरर तोड़ती है तो उसके पैर में दर्द होता है कितना छोटा और कितना महत्वपूर्ण ऑब्जेक्शनेबल है बैकग्राउंड में अज्ञान भी एकदम सही समय पर आती है और ज्वेलरी शोरूम में एक अत्यंत नहीं भाषा का भजन नरेंद्र चंचल को ट्रिब्यूट देता सुनाई देता है फिल्म ध्यान से देखने से कई कई बातें नजर आती हैं तापसी पन्नू ने एक बार फिर महिला शक्तिकरण का झंडा बरदार किया है हालांकि इस बार वे स्वरूप थोड़ा अनोखा है ऐसा लगेगा, ऐसा लगेगा, लगने लगा कि कुछ फिल्में अपने साइज और बजट की वजह से सीधे तापसी के दरवाजे पर पहुंच जाती है एक समय कंगना रानौत के साथ ऐसा होने लगा था लेकिन उनकी कुछ फिल्में फ्लॉप हो गई और कुछ उनका सभी के साथ व्यवहार फिल्मों वालों को पसंद नहीं आया तापसी की पिछली कुछ फिल्मों को देखें जैसे रश्मि रॉकेट हसीन दिलरुबा थप्पड़ सांड की आंख इन सब में किरदार तो अच्छे थे ही थोड़े फेमिनिस्ट भी थे और तापसी को इनको निभाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है काफी कुछ उनके मिजाज से मिलते जुलते किरदार है ताहे राज भसीन लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे और अचानक पिछले दो महीनों से सभी जगह नजर आने लगे हैं पहले कबीर खान की फिल्म 83 में गवास्कर के रोल में दिखे फिर दो बड़ी बड़ी वेब सीरीज ये काली काली आंखें और रंजिश ही सही और अब लूप लपेटा कहां तो शॉर्ट फिल्म्स में काम करते थे और मर्दानी जैसी फिल्म में रानी मुखर्जी के सामने वे विलन के रूप में घिन पैदा कराने वाले रोल में नजर आने के बाद अब भी ताहिर को लीड हीरो का बड़ा रोल पाने में टाइम लग गया देर आयद दुरुस्त आयद फिल्म में एक और कलाकार है जिसको कि अभी तक ठीक से कोई इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है दिव्यन्दु भट्टाचार्य उनके फिल्मी करियर का पहला महत्वपूर्ण रोल था अनुराग कश्यप की फिल्म ब्लैक फ्राइडे में गेड़ा याकूब का कई फिल्मों में काम करने के बाद उन्हें ओटीटी प्लेटफॉर्म की वेब सीरीज करने के अवसर मिलने लगे और पिछले तीन चार वर्षों में वो एक दर्जन वेब सीरीज में अच्छा काम करते नजर आ रहे हैं फिल्म में चार गाने हैं अलग अलग संगीतकारों के हैं ये वो संगीतकार हैं जो इंडिपेंडेंट म्यूजिक ज्यादा करते हैं इसलिए लाजवाब कंपोजिशन और होने के बावजूद गाने हिट नहीं होंगे एक एक गाना चुन चुन कर बनाया गया और मुफीद है बैकग्राउंड म्यूजिक बनाया है बंद द जैम रूम राहुल पैस नरिमन बाटा ने जो इस फिल्म की हाईलाइट की श्रृंखला में एक और कड़ी है एक आप जगह गाली गलौच है हिंदी में और कई जगह गाली गलौच है अंग्रेजी में गोवा में कॉमन सी बात है एक बात तो कभी हजम नहीं होती वो है तापसी का कैसीनो पहुंच जाना और दाव खेलकर जुए में जीत जाना जबकि कोई संयोग नहीं होता जिसमें वो कैसीनो पहुंच सकती है खैर छोटी सी बात है और ताहिर का किरदार शुरू से जुआरी है इसलिए उसे अनदेखा किया जा सकता है ताहिर के किरदार की कोई बैक स्टोरी नहीं है जबकि तापसी की है इसलिए अखरता है लेकिन फिल्म तापसी की वजह से देखी जाएगी यह भी सत्य है निर्देशक आकाश भाटिया ने इसके पहले एक्सल एंटरटेनमेंट की क्रिकेट पर बनी बहुत चर्चित वेब सीरीज इनसाइड एज के कुछ एपिसोड डायरेक्ट किए थे यह उनकी पहली फिल्म है बहुत ध्यान से लिखी है बहुत ध्यान से बनाई है और हर डिपार्टमेंट पर उनकी पैनी नजर रही है ऐसा साफ नजर आता है कई शॉर्ट फिल्मों के सेनोमेटोग्राफर यश खन्ना ने कैमरे से जादू उतार दिया है गाय रिची की फिल्मों जैसे स्नैच लॉक एंड टू स्मोकिंग बैरल या फिर मैथ्यू वॉन की लेयर केक जैसी स्टोरी टेलिंग का मजा इस फिल्म में देखने को मिलता है एडिटर प्रियंक प्रेम कुमार ने फिल्म को कस के रखा है और शायद इसी वजह से इंस्पेक्टर डेविड के किरदार की एंट्री सीधे ही हो गई है और ताहिर के किरदार को कोई बैक स्टोरी नहीं है इस एडिटिंग की वजह से आप कुछ भी मिस करने से कतराएंगे फिल्म का एक और रंगीन पहलू है आर्ट डायरेक्शन संतोष विश्वकर्मा का और प्रोडक्शन डिजाइन प्रदीप पॉल फ्रांसिस और दिया मुखर्जी का गोवा की खूबसूरती या गंदगी शूट करने से बचे हैं और फिल्म की कहानी पर ही ध्यान रखा है निर्देशक आकाश भाटिया और लेखक मंडली की जीत है लूप लपेटा क्योंकि इसमें रीमे की आत्मा पर ओरिजिनलिटी का नया ढांचा चढ़ाया गया है गौर करने वाली बात है कि अंग्रेजी में लूप की स्पेलिंग में थ्री ओ दिखाए गए हैं और कहानी भी तीन तरीकों से खत्म होती है तापसी पन्नू और ताहिर राज भसीन की फिल्म लूप लपेटा हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है इस फिल्म की हर तरफ काफी तारीफ भी हो रही है अब हाल ही में नेटफ्लिक्स के द्वारा एक इंटरव्यू आयोजित किया गया जिसमें तापसी पन्नू और ताहिर राज भसीन ने कई सारे खुलासे किए और फिल्म से जुड़े एक्सपीरियंस को भी शेयर किया ताहिर फिल्म से सत्या की भूमिका निभा रहे हैं जो सट्टेबाजी करता है तापसी पन्नू ने लूप लपेटा कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हुए कहा कि हॉलीवुड में ये कॉन्सेप्ट काफी पहले से है तापसी ने कहा कि हिंदी में इस कॉन्सेप्ट को ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया तापसी ने बताया कि यह फिल्म जर्मनी की क्लासिक कल्ट फिल्म रन लोला रन की आधारित हिंदी रीमेक है तापसी ने कहा कि वहीं से टाइम लूप के कॉन्सेप्ट को लेकर पूरा इंडियनाइज किया गया है इसको इंडियन कैरेक्टर और आज का टाइम डालकर उससे एक नई फिल्म बनाई गई है तापसी के अनुसार फिल्म आपको रियलिटी से दूर ले जाती है इसलिए तापसी को ऐसी फिल्में करना पसंद है और रियल लाइफ में देखने को नहीं मिलता तापसी आगे बताती है कि इस फिल्म के लिए उन्हें सेम लोकेशन पर सेम सीन को तीन बार शूट करना पड़ा ऐसे में उनका कहानी कहना है कि तीन फिल्मों को काम एक ही फिल्म में करा गया आपको तीन पिक्चर एक ही फिल्म में देखने को मिलने वाली है फिल्म के शूट के बारे में बात करने करते हुए तापसी ने कहा मैंने जो यूनिफॉर्म पहनी है ना पिक्चर के अंदर 90 सीन में मैंने वही कॉस्ट्यूम पहन रखी है। उसमें मेरा आग लगाने का मन था, क्योंकि तापसी को अपने आप को देखकर अजीब सा लग रहा था। सेम लुक के अंदर खुद को ऐसे देख पाना तापसी के लिए आसान नहीं था। तापसी के अनुसार उन्हें गोवा की सड़कों पर दो हफ्तों तक यूं ही दौड़ाया गया रोज सुबह से शाम तक भाग रही थी लेकिन तापसी का कहना है कि सेम चार्ज को तीन अलग तरीके से करना बिल्कुल आसान नहीं होता है ऐसे में तापसी के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था एक ही लोकेशन पर एक ही चीज को तीन बार कर पाना वहीं ताहिर ने कहा कि जब आप एक ही चीज को तीन बार करते हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दर्शक बोर ना हो जाए भारत जैसी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था नेटफ्लिक्स को अपने पैर जमाने में बहुत मुश्किल हो रही है ये इसके अमेरिका में बैठे आला अफसर भी मानने लगे हैं यहां नेटफ्लिक्स के मुंबई दफ्तर में हर तिमाही कोई ना कोई बड़ा विकेट गिरता रहता है किसी को समझ नहीं आ रहा कि किस विभाग में क्या हो रहा है पीआर एजेंसीज भारतीय भाषाओं के समाचार माध्यमों को अंग्रेजी में मेल पर भेज मेल भेजती रहती हैं। उनको पता है कि संवाद जब तक देसी भाषा में न हो उत्पाद और उपभोक्ता का रिश्ता नहीं बनता लेकिन कोई किसी की यहां सुनने वाला दिखता नहीं अपना खुद को ओ टी टी एप सोनी लिव चलाने वाली कंपनी सोनी पिक्चर्स को भी पता है के उन्होंने क्या बनाया है और तभी उसे फिल्म लूप लपेटा को बजाय अपनी कंपनी की ओटीटी पर पर दिखाने के उसे नेटफ्लिक्स डंप करना बेहतर लगता है जोहर ये पहले ही खूब कर चुके हैं अब बारी दूसरे फिल्म निर्माताओं की है नेटफ्लिक्स है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा उसके मुंबई के अफसर इंडिया में रहते हैं और अपनी सोच की कहानियां दिखाना चाहते हैं भारत को वह भी सबसे ज्यादा कीमत वसूल करके कोरोना संक्रमण काल ने ओटीटी को को और डिजिटल दुनिया खूब तरक्की दी है लेकिन यह तरक्की जितनी तेजी से ऊपर गई है इसके अब वहां कुछ देर ठहरने के बाद फिर नीचे आने की आशंकाएं भी हैं लोग मोबाइल टीवी लैपटॉप से उबने लगे हैं मेटा जैसी कंपनी इसके झटके महसूस करने लगी है और फिल्म लूप लपेटा इसके झटके नेटफ्लिक्स के वे दर्शक महसूस करने लगे हैं जो महीने के करीब पांच रुपए और साल के करीब छह हजार रुपए इसे देते हैं आपके पास काटने को ढेर सारा समय हो और फिल्म लूप लपेटा मुफ्त में देखने को मिले तो भी सौ बार सोचना जरूरी है कहानी इसकी पूरी फिल्म है हकीकत से चूंकि इसके तार जुड़ते नहीं है इसलिए बार बार दिमाग को यह समझाना पड़ता है कि हां फिल्म ही देख रहे हैं भाई एक्स पैरिमेंटल फिल्म के नाम पर इसमें मेहनत खूब है तकनीकी टीम को इसके लिए दाद भी मिलनी चाहिए लेकिन तापसी पन्नू के प्रशंसकों के लिए इसमें कुछ खास नहीं है अस्पताल की छत पर खड़ी सावी को सत्या मिलता है सावी उससे पहले अपने बाथरूम में नशा करते दिखती है सावी है सत्या है तो दोनों को मिलना ही था और फिल्म बनानी है तो एक कहानी भी होनी ही चाहिए लेकिन हिंदी सिनेमा का ये गर्तकाल चल रहा है इस दौर के निर्देशक कहानियों के लिए लेखकों के पास नहीं जाते वे लेखकों को बुलाते हैं कहीं से उधार ली गई कहानी पर मेहनत करने दुनिया भर के क्रिएटिव इनपुट आते हैं सिर शेर का पूछ बिल्ली की बदन तेंदुए का और आवाज किसी की भी हो सकती है और इतने सारे दिमाग मिलकर जब कोई फिल्म बनाते हैं तो यह फिल्म लूप लपेटा ही हो सकती है यह विचार कोई तीन दशक पुराना है जर्मन फिल्म की रीमेक बनाते समय फिल्म लूप लपेटा के मेकर्स ने न हिंदुस्तानी सोच के दायरे में खुद को बांधा है और न ही उनको यह पता है कि इस फिल्म का दर्शक कौन है फिल्म लूप लपेटा तापसी पन्नू की चौथी फिल्म है जो सिनेमा घरों की बजाय सीधे ओ पर रिलीज हो जा रही है बड़े पर्दे पर वह आखिरी बार फिल्म थप्पड़ में दिखी थी और अब जो हालात बन रहे हैं उसमें उनकी अगली फिल्म सिनेमाघरों में कौन सी आएगी ये कौन बनेगा करोड़पति जैसा सवाल हो चुका है उन्नीस में रिलीज हुई जर्मनी की क्लासिक कल्ट फिल्म लोला रन लोला रन की इस आधिकारिक हिंदी रीमेक में तापसी पन्नू ने मेहनत तो खूब की है जहां उन्होंने अपना काम रश्मि रॉकेट्स में छोड़ा यू लगता है इस फिल्म में उसे वहीं से पकड़ लिया है किरदार उनके अलग अलग जरूर हो रहे हैं लेकिन अभिनय में दोहराब अब दिखने लगा है फिल्म लूप लपेटा एक्सपेरिमेंटल थ्रिलर फिल्म है माना जा सकता है लेकिन नेटफ्लिक्स के दर्शकों से महीने का पैसा लेते समय यह नहीं बताया जाता कि अगले महीने उनको क्या दिखाया जाने वाला है ये एक तरह से ग्राहक के साथ छल भी है कुछ कुछ वैसा ही जैसा साबी अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए इस फिल्म में करती है इसी से अलग अलग तरह की परिस्थितियों बनती है और हालात के इस जाल में दोनों कैसे निकलते हैं इसी इतनी सी कहानी है और बस इतनी में दर्शक गोल 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 घूमता रहता है यश खन्ना ने कैमरे के जितने एंगल जितने मूवमेंट हो सकते थे सब कर लिए हैं प्रियंका प्रेम कुमार ने एडिटिंग में अपने सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं फिल्म का गीत संगीत भी एक्सपेरिमेंटल ही है और इसके नतीजे आपको अगले महीने तक भी याद रह जाएंगे तो बड़ी बात होगी तापसी पन्नू और ताहिर राज भसीन की फिल्म लूप लपेटा नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है फिल्म में तापसी सवी नाम की एथलीट लड़की का किरदार निभा रही है जो अपने जुआरी बॉयफ्रेंड सत्या की वजह से मुश्किल में फंस जाती है सवी को 50 मिनट में 50 लाख रुपए जुटाने हैं ताकि उसके बॉयफ्रेंड की जान बच सके अब क्या सवी ऐसा कर पाएगी या नहीं और कैसी है ये फिल्म जानने के लिए पूरी वीडियो देखते रहिए सोचो अगर आपको एक ही दिन में बार बार जीने का मौका मिले तो क्या होगा आप उसे एक ही तरह से जिएंगे या कुछ अलग करेंगे कुछ देर में ही पक जरूर जाएंगे अब सोचो कि अगर आपकी जान पर आ बनी हो और आपके पास खुद को या अपने अपनों को बचाने के लिए सिर्फ पचास मिनट का ही समय हो और फिर आप लूप में फंस जाए तो क्या होगा यही तापसी पन्नू की नई फिल्म लूप लपेटा में होता है यह कहानी है सवि यानी सवीना बोरकर की जो एक एथलीट है सवीना रेस में दौड़कर गोल्ड जीतना चाहती थी लेकिन घुटना टूटने और अपना सपना बर्बाद होने के बाद से अलग ही इंसान बन गई हैं। अस्पताल की छत पर सवीना की मुलाकात होती है और रोज किसी न किसी से पिटकर घर आता है सत्य का सपना है कि वह किसी दिन सभी को साथ लेकर स्टॉकहोम से हेलसिंकी फेरी राइड पर जाएगा लेकिन ना तो उसके पास ऐसा करने के लिए पैसा है और ना ही किस्मत बहुत अच्छी है पैसों की चाहत सत्य और सभी की जिंदगी में आग लगा देती है यूजलेस सत्य अब जिंदगी और मौत के बीच खड़ा है उसे अपनी जान बचाने के लिए किसी भी हालत में 50 मिनट में 50 लाख रुपए लाने हैं इसीलिए वो सभी की मदद मांगता है और उसकी जिंदगी लूप लपेटे में फंस जाती है लूप लपेटा तो तापसी पन्नू और ताहिर राज भसीन की जोड़ी काफी सही है लेकिन फिर भी कुछ कमी है दोनों के काम अच्छा किया है दोनों का टपोरी स्टाइल भी काफी दिलचस्प है लेकिन मजा नहीं आया फिल्म में दिव्येंदू भट्टाचार्य राजेंद्र चावला श्रेया धनवंतरी केसी शंकर मानिक पपनेजा और भूपेश बंदेकर जैसे कलाकारों ने सपोर्टिंग रोल निभाए हैं सभी ने अपना काम अच्छे से किया है अप्पू गप्पू के रोल में मानिक और भूपेश काफी इम्प्रेसिव है सभी को एक ही दिन को बार बार जीने देखना दिलचस्प है लेकिन किरदारों का एक ही बात को 50 बार बोलना का एरिटेटिंग लगता है फिल्म में हर किरदार एक दूसरे के सामने शब्दों को दोहराता ही नजर आ रहा है 50 लाख की बात होती है तो किरदार एक दूसरे से अलग अलग एक्सप्रेशन इमोशन में 50 लाख ही बोलने लग जाते हैं कोई ब्रो बोलता है तो उसकी सुई वहीं अटक जाती है फिल्म में थ्रिल है और काफी अच्छे कॉमिक पल भी हैं लेकिन कई जगह पर आप इसे देखते हुए बोर हो सकते हैं डायरेक्टर आशीष भाटिया की कोशिश अच्छी है लेकिन यह फिल्म और बेहतर हो सकती थी साल उन्नीस उन्नी सौ में रिलीज हुई रन लोला रन को दुनिया भर में कल्ट का दर्जा प्राप्त है फिल्म रन लोला रन ने भाषा की बाउंड्री तोड़कर दुनिया भर को दर्शकों का मनोरंजन किया था रन लोला रन का ट्रीटमेंट दर्शकों को इतना पसंद आया था कि उन्होंने इसे दिल खोल कर प्यार दिया था नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई तापसी पन्नू और ताहिर राज भसीन की नई फिल्म लूप लपेटा रन लोला रन की रीमेक है लेकिन क्या है क्या यह वही इतिहास दोहरा पाई आइए आपको यही बात बताते हैं फिल्म की कहानी सत्या की जिंदगी के आसपास घूमती नजर आती है जिसने गलती से अपने बॉस के 50 लाख रुपए गवा दिए हैं सत्या अपनी स्मार्ट गर्लफ्रेंड सभी के साथ ऐसा प्लान चाहता है जिससे एक घंटे के अंदर 50 लाख रुपए की कमाई हो सके इस भागदौड़ में सत्या और सभी जिससे भी मिलते हैं उनकी जिंदगी भी प्रभावित होने लगती है क्या सभी अपने बॉयफ्रेंड सत्या को एस, कोई ऐसा प्लान दे पाएगी जिससे उसकी जान बच सके यह जानने के लिए आपको पूरी फिल्म देखनी होगी फिल्म लूप लपेटा में ताहिर राज भसी ने कमाल की एक्टिंग की है वो हर प्रोजेक्ट के साथ और बेहतर होते जा रहे हैं ताहिर को अपने साथी कलाकारों देवेंदु श्रेया राजेंद्र मानिक राघव भूपेश का भी भरपूर साथ मिलता है अदाकार तापसी पन्नू की बात करें तो वो भी अच्छा काम करती नजर आती है लेकिन उनके पिछले कुछ प्रोजेक्ट देखकर लगता है कि वो इन दिनों हर फिल्म में खुद को ही प्ले कर रही हैं। तापसी उम्दा कलाकार है जिस कारण उनसे बड़ी उम्मीदें लाजमी हैं। डायरेक्टर आकाश ने लूप लपेटा को भारतीय दर्शकों के मुताबिक बनाया है जिसके लिए उनकी तारीफ होनी चाहिए वो उलझी हुई नहीं उलझी हुई कहानी नहीं वो पर्दे पर सुलझकर पेश कर पाए हैं फिल्म में गांव का फ्लेवर भी है जो लूप लपेटा के कॉन्सेप्ट पर एकदम फिट बैठता है यश खन्ना का कैमरा वर्क शानदार है जिसे राहुल और निर्माण खंबाटा के बैकग्राउंड स्कोर का भरपूर साथ मिलता है रन लोला रन जैसी कल्ट फिल्म का करना कोई आसान काम नहीं है आकाश ने लूप लपेटा बनाकर बड़ा रिस्क उठाया है जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हुए हैं, लेकिन वो स्तर नहीं छू पाए जो रन लोला रन का है भारतीय दर्शकों को लूप लपेटा पसंद आएगी लेकिन यह फिल्म उन पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाएगी फिल्म लूप प, लपेटा का थोड़ा अलग है जिसे एडिट टेबल पर थोड़ा और समय दिया जाता तो यह फिल्म 10 मिनट और छोटी हो सकती थी लूप लपेटा एक एंटरटेनिंग मूवी है जिसमें शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिलती है रन लोला रन को आकाश ने अलग अंदाज में बनाया है जिसे देख हंसी आती है रन लोला रन एक कल्ट मूवी है उसके जैसी उम्मीदें लूप लपेटा से रखना गलत है हम अपनी ओर से लूप लपेटा को अच्छे नंबर दे रहे हैं मोहब्बत होने में एक लम्हा लगता है लेकिन उम्र गुजर जाती है वो लम्हा भुलाने में जिंदगी को कोई एक लम्हा कैसे सिर के बल खड़ा कर देता है फेसबुक पर मिलने वाली ऐसी शायरियों से आप भी जान सकते हैं फिल्म लूप लपेटा भी एक घटना पर किसी लम्हे में अलग अलग दी गई प्रतिक्रियाओं से नतीजों में आने वाले बदलाव की फिलॉसफी समझाती है अंग्रेजी में इसे बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं मतलब यह कि अगर किसी बात के प्रारंभिक बिंदु में हल्का सा भी बदलाव हो जाए तो उसकी स्पेस और स्पीड दोनों बदल जाते हैं अगर यह बातें समझने में लच्छेदार लगे तो आप नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई तापसी पन्नू ताहिर राज भसीन की लूप लपेटा देखकर इन्हें समझ सकते हैं यह फिल्म उन्नीस में आई जर्मन फिल्म रन लोला रन का हिंदी रीमेक है बॉलीवुड के रीमेक भरोसे हो जाने की बहस इधन तेज है और यहां मूल आइडिया के अकाल को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि दुनिया भर में कामयाब रही और खूब देखी गई इस जर्मन फिल्म को अपने यहां तेईस साल बाद नए सिरे से बनाया गया है हालांकि राहत की बात सिर्फ इतनी है कि चार लेखकों की टीम ने पटकथा पर कड़ी मेहनत करते हुए इसका सफलतापूर्वक हिंदीकरण किया है उन्होंने रन लोला रन का बाहरी फ्रेम ज्यो का त्यों लेते हुए इसे हिंदी पौराणिक में मिलने वाली सत्यवान सावित्री की कहानी में पिरो दिया है इस आख्यान में मृत्यु के देवता यम सत्यवान के प्राण हरने के बाद उसे यमलोक ले जाने लगते हैं और सावित्री अपनी बुद्धिमता से उसने पति के प्राणों को वापस लेकर सत्यवान को नया जीवन दिलवाती है लूप लपेटा भी यही है पृष्ठभूमि गोवा की है सत्या एक तेज रेस्तरा में काम करता है जिसका मालिक विक्टर क्रूर और अपराधी है एक दिन वह सत्या को एक व्यक्ति से पचास लाख रुपए लाने की जिम्मेदारी देता है सत्या को कसिनो में जुआ खेलने की लत है लेकिन वह जुए में नहीं बल्कि एक अजीब हादसे में नोटों से भरा बैग खो देता है सत्या को विक्टर ने पहले ही पिस्तौल देकर भेजा था कि खाली हाथ आने के बजाय तुम खुद को गोली मार लेना सत्य अपनी गर्लफ्रेंड सावी को फोन करके हादसा बयां करता है अब घंटे भर में पचास लाख रुपए नहीं मिले तो मौत तय है सावी क्या करे वह कहां से लाएगी घंटे भर में पचास लाख यहीं से कहानी उड़ान भरती है और सावी भविष्य में होने वाली सत्या की मौत देखती है सावि बदल सकेगी अपनी आंखों के आगे दिख रहे भविष्य को क्या यह सिर्फ सपना है या हकीकत किसी ख्वाब की तरह उसकी आंखों के आगे तैर रही है सच क्या है पचास लाख का फेर क्या सिर्फ सत्य के साथ है या फिर और भी किरदार इस लूप में है कथानक में भारती हो जाने के बावजूद लूप लपेटा अपने कैमरा वर्क कलर और मेकिंग में यूरोपियन फिल्म जैसा आभास देती है लूप लपेटा पूरी तरह से तापसी पन्नू के फिल्म के रूप में सामने आती है उन्होंने फिर साबित किया है कि वह अकेले दम पर कहानी में जान फूंक सकती है उन्होंने यहां लंबे किसिंग सीन और अंतरंग दृश्य देने में भी परहेज नहीं किया है लूप में दोहराती हुई घटनाओं में ताहिर एक समय के बाद असर खो देते हैं लेकिन तापसी ऊर्जावान मौजूदगी को लगातार दर्ज कराती है उन्होंने इस फिल्म को फीका पड़ने से बचाया है क्योंकि आप घटनाओं को थोड़ी हेरफेर से कहानी में तीन बार देखते हैं और ऐसे में तापसी हर बार घटनाओं को मोड़ने की कोशिश में कुछ अलग करती नजर आती है लूप लपेटा में कसावट है लेकिन दोहराव की वजह से इसमें कई जगहों पर पूर्वानुमान बहुत आसान है अतः कहानी के रोमांच से खुद को जोड़े रखने में दर्शक को प्रयास करना पड़ता है कहानी में एक रोचक ट्रैक दो भाइयों का है जो पैसों के लिए अपने सख्त ज्वेलर पिता को लूटने का इरादा रखते हैं और हर बार नाकाम होते हैं दोहराव के अतिरिक्त लूप लपेटा की समस्या यह है कि इसमें घटनाएं बहुत थोड़ी हैं। इस बात का निर्देशक ने ध्यान रखा होता तो फिल्म की लंबाई कम हो सकती थी जो कहानी यहां 130 मिनट के लगभग जाती है वह मूल फिल्म में मात्र इक्यासी मिनट में दिखा दी गई थी घटनाओं का फैलाव और अनावश्यक संगीतमय स्थितियों लूप लपेटा को कमजोर करती हैं। बावजूद इसके यह फिल्म एक बार देखी जा सकती है इसमें कम से कम वह थ्रिल है जो हाल की कई फिल्मों से गायब है फिल्म की कहानी सावी और उसके बॉयफ्रेंड सत्या की है सावी एक पूर्व रनर है और सत्या एक जुआरी है सत्या को एक लुटेरे को 50 लाख रुपए की मोटी रकम चुकानी है इस रकम को लाने के लिए और अपने बॉयफ्रेंड सत्या की जान बचाने के लिए सावी को केवल 50 मिनट मिलते हैं सावी कैसे अपने बॉयफ्रेंड की जान बचाती है? यही लूप लपेटा की कहानी है लूप लपेटा, जर्मनी फिल्म रन लोला रन का हिंदी अडप है यह कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है भले ही लूप लपेटा ओरिजिनल फिल्म से लगभग एक घंटा लंबी है लेकिन यह ओरिजिनल फिल्म की तरह दर्शकों को बांधे रखने में कामयाब हो जाती है फिल्म की ज्यादातर शूटिंग गोवा में हुई है हालांकि शुरू से ऐसा लगता है कि किरदारों स्थापित करने में कुछ जल्दबाजी दिखा दी गई है लेकिन एक बार फिल्म शुरू हो जाती है तो ऑडियंस कहानी के साथ जुड़ जाएगी फिल्म के राइटर्स विनय चावला अर्नव नंदूरी और आकाश भाटिया ने किसी कसी हुई कहानी लिखी है सिचुएशन कॉमेडी सीन बढ़िया बने हैं तापसी पन्नू अपनी फिल्मों में अलग अलग तरह के किरदार निभाने के लिए मशहूर हो चुकी हैं। इस बार भी तापसी ने एक अलग तरह का किरदार निभाया है सावी के किरदार में तापसी ने जान डाल दी है पूरी फिल्म में वो भागती हुई नजर आ रही हैं। हर फिल्म के साथ तापसी खुद को एक काबिल एक्ट्रेस के रूप में साबित कर करती जा रही है ताहिर राज राजभसिंग ने अपने सत्या के किरदार को ठीक ठाक निभाया है सपोर्टिंग कास्ट की एक्टिंग भी बढ़िया है तापसु पन्नू के फैन और एक अलग तरह की थ्रिलर कॉमेडी फिल्म देखना चाहते हैं तो इसे मिस मत करिए एंटरटेनमेंट का तड़का लगाने के लिए और आपके बोरिंग दिन को और खास बनाने के लिए हम आपके लिए इस वीकेंड रिलीज हुई धमाकेदार सीरीज और फिल्मों के रिव्यू लेकर आ चुके हैं इस वीकेंड तीन फिल्में टॉप चार्ट में शामिल है ऐसे में कौन सी फिल्म देखने लायक है या नहीं यह उलझन हमने आपकी सुलझा दी है हमने तीनों सीरीज को देखने के बाद यह रिव्यू तैयार किए हैं जिसके सहारे आप यह फैसला ले सकते हैं कि इस पर आपको अपना कीमती वक्त देना है या नहीं मोहब्बत होने के मोहब्बत होने में एक लम्हा लगता है लेकिन उम्र गुजर जाती है वो लम्हा भुलाने में जिंदगी को कोई एक लम्हा कैसे सिर के बल खड़ा कर देता है फेसबुक पर मिलने वाली ऐसी शायरियों में आप भी जान सकते हैं लूप लपेटा पूरी तरह से तापसी पन्नू की फिल्म में के रूप में सामने आती है उन्होंने फिर साबित किया है कि वह अकेले दम पर कहानी में जान फूक सकती है जो कहानी यहां 130 मिनट के लगभग जाती है वो मूल फिल्म में मात्र इक्यासी मिनट में दिखा दी गई है रघुवीर यादव की कहानी का ट्रैक रोचक है पूर्व सरकारी अधिकारी मोहन कुमार मर्डर सिर्फ मर्डर नहीं होता उसके पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर छुपी होती है द ग्रेट इंडियन मर्डर एक्टर्स के परफॉर्मेंस पर टिकी है जतिन गोस्वामी का अभिनय शानदार है और उन्होंने किरदार को जिंदा कर दिया है उन्हें देखकर आप विक्की से नफरत करेंगे लेकिन इस सीजन में जो दो किरदार खास असर छोड़ते हैं वह रघुवीर यादव और मलयाली एक्टर मनी पियार हैं तो अगला जो लॉन्च हुआ है वेब सीरीज वो है रॉकेट बॉयज आज यह कहने सुनने में गर्व होता है कि भारत में अंतरिक्ष विज्ञान में बड़ी उच्चाइया हासिल की हैं चांद पर अपना यान उतार दिया है मंगल तक यान भेज दिया है साथ ही आज हम विश्व की प्रमुख परमाणु शक्ति भी हैं करीब 40 40 मिनट की आठ कड़ियों वाली रॉकेट बॉयज की कहानी शुरू होती है उन्नीस में चीन के हाथों भारत की सैन्य पराजय के साथ तब होमी तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहते हैं कि जरूरी नहीं कि चीन भविष्य में हमलावार नहीं होगा इसलिए जरूरी है कि हम परमाणु बम बनाएं नेहरू असमंजस में है होमी के मित्र और कभी उनके छात्र रहे विक्रम सारा भाई परमाणु बम बनाए बनाए जाने का खुला विरोध करते हैं क्योंकि दुनिया दुनिया दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका द्वारा जापान में हिरोशिमा नागा पर गिराए परमाणु बमों में हुई तबाही देख चुकी है इच्छा नियति और भाग्य के बीच का समीकरण बहुत उलझा हुआ है आप इच्छा करते हैं नियत अपना रोल निभाती है और भाग्य का अपना खेल होता है इस उलझाव को लूप लपेटा में दर्शाया गया है यह जर्मन फिल्म रन लोला रन का हिंदी रीमेक है जो उन्नीस लपेटा में कहानी को थोड़ा बदलाव के साथ पेश किया गया और समय के लूप में फंसे दो प्रेमियों की कहानी दर्शाई गई है सावी एक एथलीट है लेकिन चोट की वजह से उसके सपने टूट गए अस्पताल की छत से छलांग लगाकर आत्महत्या करने ही वाली थी कि उसे सत्या बचा लेता है वह कहता है कि तुम मर नहीं रही बल्कि जो जीवन जी रही हो उसे खत्म करने जा रही थी सत्या को जिंदगी में एक ऐसा मौके की तलाश है ताकि वह अमीर बन जाए इसी शॉर्टकट के चक्कर में जुआ खेलना उसकी आदत बन गई है सावी और सत्या साथ रहने लगते हैं एक दिन सावी को सत्य का फोन आता है कि उससे 50 लाख रुपयों का बैग गुम हो गया है यदि 50 मिनट में पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो उसका बॉस उसका काम तमाम कर देगा सावी अपने बॉयफ्रेंड को बचाने और पैसों का इंतजाम करने के लिए गोवा की सड़कों पर दौड़ पड़ती है उसकी रेस समय के साथ है इस कहानी के साथ दूसरी कहानियां भी हैं दो मूर्ख बेटे अपने पिता की ज्वेलरी शॉप लूटने की योजना बना रहे हैं एक टैक्सी ड्राइवर इस बात पर गुस्सा है कि उसकी गर्लफ्रेंड की दूसरे लड़के से शादी हो रही है एक उत्साही पुलिस वाला है ये सारे किरदार सावी और सत्या से टकराते हैं और इनकी कहानी आपस में जुड़ जाती है कहानी लूप लपेटा चलती है यानी के सत्या को बचाने के लिए सावी निकलती है और गलतियां हो जाती हैं इसके बाद कहानी वहीं से फिर से शुरू होती है और सावी कुछ गलतियां सुधारती भी है तीसरी बार सावी फिर से रिस्टार्ट करती है एक ही कहानी को तीन बार लूप में चलाता हुआ दिखाया गया है रन लोला रन का हिंदी संस्करण विनय छावल केतन पेंड गावर गावकर आकाश भाटिया और अर्णव नंदूरी ने मिलकर किया है सत्यवान और सावित्री की पौराणिक कहानियों को उन्होंने से जोड़ा है और मुख्य करदारों के काम भी यही दिए हैं सावित्री ने सत्यवान के जीवन के लिए यमराज से लड़ाई की थी यहां पर सत्या की लाइफ बचाने के लिए सावी निकल पड़ती है एक्सपेरिमेंट फिल्मों के साथ दिक्कत यह बड़ी है कि एक तरह का जुआ है जो भारत में जो खतरा राजा मौली ने उठा लिया वैसे विरले मिलते हैं So, इस बार रिस्क उस मूवी पर लिया गया जो जर्मनी में पहले ही बनाई जा चुकी है रन लोला रन ऑफिशियल रीमेक है सो so, कहानी की तो कोई दिक्कत नहीं थी फिर भी डायरेक्टर्स को चार चार लेखक रखने पड़े कि उस स्टोरी को कायदे से भारतीय माहौल में ढाल पाए इसलिए बैकड्रॉप गोवा को चुना गया ताकि विदेशी स्टाइल बरकरार रखने में कोई दिक्कत ना आए लेकिन बावजूद इसके कई बार आपका मन होता है कि बकवास मूवी है उठ जाओ बंद करो फिर कहीं ना कहीं लगता है कि ये तो देख लो के क्लाइमैक्स में क्या होता है आपको ये मूवी बार बार बीच में बकवास क्यों लगती है उसकी वजह है इसका टाइटल लूप लपेटा अब विस्तार से तो मूवी देखकर ही समझा जा सकेगा कहानी है कि एक ऐसी लड़की सावी जो अपने औस्तन बुद्धू बॉयफ्रेंड सत्या को एक अजीब सी टाइम बाउंड मुश्किल में निकालना चाहती है यानी अगर 50 मिनट में 50 लाख रुपयों का इंतजाम नहीं हुआ तो सत्यजीत का राम नाम सत्य ऐसे यूं एक लाइन की बड़ी साधारण सी कहानी है लेकिन में जो लूप लपेटा लगता है कि हर घटना आपको कई कई बार झेलनी पड़ेगी सो कहानी में तो कुछ है ही नहीं लेकिन किरदार काफी हैं। सावी के पापा हैं जो गे हैं एक टैक्सी ड्राइवर रॉबर्ट है जिसका गर्लफ्रेंड जूलिया की शादी हो रही है एक पुलिस इंस्पेक्टर है जो हर बार सावी के रास्ते में आता है एक ज्वेलर है जिसके दोनों बेटे उसे लूटना चाहते हैं एक डॉन है जो सत्या को पचास लाख की डिलीवरी लाने भेजता है सावी के एक अंकल हैं जो कुछ बोलते नहीं हैं और सावी के घर का बाथरूम है जिसमें टॉयलेट सीट के ऊपर एक शीशा लगा है जिसके सामने जग्स लेते हुए तापसी के सीन से हर बार कहानी शुरू होती है अब चूंकि भारतीय माहौल में ढालना आसान नहीं था तो पूरी मूवी को नौजवानों पर फोकस किया गया और स्टाइल इमरान खान की मूवी डेली बेली से दी गई गानों को उसी ट्रुथफुल अंदाज में लिया फिल्माया गया टाइटल सॉन्ग समेत दो तीन गाने आपको पसंद भी आएंगे सबसे दिलचस्प था सत्यवान सावित्री की कहानी को लेना तभी तो तापसी का नाम सावी और ताहिर भासीन का नाम सत्य है हां डेली बेली से गालियां थोड़ी कम है लेकिन उसी तरह पैकेट पहुंचाने की भागम भाग जरूर है मूवी बस तीन पायदानों पर टिकी है पहली तापसी पन्नू दूसरी इसको नौजवानों से जोड़ना और तीसरा कहानी से ज्यादा विजुअल एक्सपीरियंस देने की कोशिश करना सो so, एडिटिंग और सिनेमेटोग्राफी पर काफी मेहनत हुई है लेकिन आम किस्म के दर्शकों को शायद ही पसंद आए बहुत लोग इस मूवी को आधे घंटे के अंदर भी छोड़ सकते हैं क्योंकि सीन कई सारे ऐसे रचे गए हैं जो सिचुएशनल कॉमेडी भी लगते हैं बल्कि डायरेक्टर ही बेवकूफ नजर आता है ऐसे में कभी तो लगता है कि भारतीय रीमेक बनाने के चक्कर में फिल्म खिचड़ी बन गई है सो so, अगर आपको एक्सपेरिमेंट्स पसंद है कुछ अलग देखने का मन है तापसी पन्नू के फैन है तो मूवी आपके लिए आप रिस्क लेना नहीं, लेकिन इस मूवी को देखकर यह जरूर लगता है कि तापसी भी कंगना की तरह हीरोइन को जज्बों देने वाली एक्सपेरिमेंट्स फिल्में ज्यादा करने के मूड में है जो उनका रिस्क है तो पक्का आपकी अपनी मर्जी है सिर्फ एक लम्हा लगता है लाइफ बदलने में और उस लम्हे में आप क्या करते हो सब कुछ उस पर निर्भर करता है लूप लपेटा इसी एक लम्हे और उस फिल्म में लिए गए फैसले की कहानी है लूप लपेटा क्लासिक जर्मन फिल्म रन लोला रन की आधिकारिक हिंदी रीमेक है हालांकि ओरिजिनल फिल्म में यहां कुछ ज्यादा बदलाव किए गए हैं जो सबसे बड़ा बदलाव है वो फिल्म की अवधि लूप लपेटा ओरिजिनल फिल्म से लगभग एक घंटा ज्यादा लंबी है फिल्म की कहानी का मुख्य बिंदु है टाइम लूप जो उसे अलग अलग तरीकों से पचास लाख का जुगाड़ करने और जिंदा रहने के लिए सावी को तीन प्रयास देता है टाइम के खिलाफ यह थ्रिलर कॉमेडी रेस कैसे सुलझती है यही है लूप लपेटा पचास लाख पचास मिनट और एक यूजलेस बॉयफ्रेंड की जान मेरे भरोसे है रन सावी रन और वो गोवा की सड़कों और गलियों में दौड़ती है सावी एक एथलीट है एक दुर्घटना की वजह से उसे अपनी जिंदगी पिछली जिंदगी को छोड़ना पड़ता है और अब वह है अपने बॉयफ्रेंड सत्यजीत उर्फ सत्या के साथ सत्या का मानना है कि जिंदगी बदलने के लिए एक दिन ही काफी होता है और इसलिए वो रोज कसीनो जाता है उसका मानना है कि किसी ना किसी दिन तो उसकी लॉटरी लगेगी खैर लॉटरी तो नहीं लगती लेकिन सत्या की जिंदगी में एक दिन ऐसा आता है जब वो जिंदगी और मौत के बीच खड़ा होता है उसे अपनी जान बचाने के लिए पचास लाख का जुगाड़ करता है और सिर्फ पचास मिनट में इसके लिए वो सावी की मदद मांगता है अब सावी कैसे उसकी जान बचाती है बचा भी पाती है या नहीं यही है फिल्म की कहानी क्या होगा यदि जिंदगी आपको चीजों को सुधारने और मौत से बचने के लिए तीन प्रयास देगी आकाश भाटिया के निर्देश में बनी लूप लपेटा ऐसी ही कहानी कहती है सावित्री और सत्यवान की पौराणिक कथा ये सावी और सत्या की जिंदगी को जोड़ना काफी दिलचस्प है फिल्म में सस्पेंस फैक्टर काम करता है लेकिन कुछ कॉमेडी पार्ट जाते हैं चेज सीन या पीछा करने वाले सीन भी कहीं कहीं काफी लंबे हैं लूप लपेटा और रीजनल फिल्म से एक घंटे लंबी है और यह बात फिल्म देखने के दौरान भी महसूस होती है फिल्म टाइम लूप दिखाती है लिहाजा जाहिर है कि एक, एक ही दृश्य कई बार सामने आते हैं लेकिन यहां रोमांस की कमी है खैर परफॉर्मेंस और तकनीकी पक्ष फिल्म को बचाते हैं तापसी पन्नू फैंस के दिल में अपनी हर फिल्म के साथ कुछ नया कुछ अलग करने की उम्मीद जगाती हैं और वो यहां निराश नहीं करती हैं सावी के किरदार में वो फिल्म को मजबूत बनाती हैं वहीं ताहिर राज भसीन ने अपने अभिनय से खासा इंप्रेस किया है इनके अलावा फिल्म में श्रेया धनवंतरी राजेंद्र चावला समीर केविन राय और दिव्यन्दू भट्टाचार्य ने महत्वपूर्ण सहायक भूमिकाएं निभाई हैं सभी कलाकारों ने अपने किरदार के साथ न्याय किया है संगीत इस फिल्म में एक महत्वपूर्ण निभाता है यह कहानी के गतिशील होने का आभास देता है राहुल पायस और नरिमन खम्भा ने फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर दिया है जो कि काफी अच्छा है फिल्म के गाने कहानी के साथ ही चलते हैं लिहाजा कहीं भी कहानी में रुकावट नहीं लगते हैं आकाश भाटिया केतन पेड़गांवकर, विनय छवल और अर्णव नंदूरी ने फिल्म की पटकथा और संवाद पर काम किया है ओरिजिनल फिल्म से लगभग एक घंटे लंबी लूप लपेटा अपने किरदारों को स्थापित करने में काफी समय लेती है क्योंकि यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर आई है बता दे इस प्लेटफॉर्म पर टाइम लूप से जुड़ी कई फिल्में और शोज हैं ऐसे में लूप लपेटा कुछ नया और एक्सपेरिमेंटल नहीं दिखाती है लेकिन हाँ हिंदी फिल्मों के दर्शकों को शैली अभी भी उपेक्षाकृत नहीं है यश खन्ना की सिनेमेटोग्राफी काफी प्रभावी है वहीं प्रियंका प्रेम कुमार ने एडिटिंग में अच्छा काम किया है कॉमेडी थ्रिलर सस्पेंस में कुछ अलग कुछ नया देखना चाहते हैं तो लूप लपेटा एक बार जरूर देखी जा सकती है फिल्म में तापसी पन्नू और ताहिर राज भसीन ने बहुत अच्छा काम किया है बॉलीवुड को इस मंझी हुई अभिनेत्री बन चुकी हैं तापसी पन्नू पिछले कुछ सालों में उन्होंने अपने किरदारों से हर किसी को प्रभावित किया है उनकी हर फिल्म में उनका किरदार कुछ अलग और खास होता है तापसी अब वैसी ही फिल्में चुनती हैं जिनमें उनके किरदार को एक मुख्य किरदार की तरह पेश किया जाता है पिछले कुछ सालों से उनके द्वारा किए गए फिल्मों को देखा तो वो चाहे हसीन दरबा हो या रश्मि रॉकेट इनमें से एक में वो सभी मुख्य किरदारों के बराबर के रोल में थी वहीं दूसरे में मुख्य भूमिका में थी दोनों फिल्मों में उनके अभिनय की तारीफ हुई थी एक बार फिर तापसी एक और दमदार किरदार के साथ दर्शकों के बीच आ चुकी है उनकी फिल्म लूप लपेटा आज नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है उनकी फिल्म में उनके साथ ताहिर राजभसीन भी नजर आ रहे हैं तापसी पन्नू और ताहिर भसीन की ये फिल्म लूप लपेटा फिल्म रन लोला रन की अडोप्टेशन है इसमें भारतीय मैथोलॉजी का तड़का लगाया गया है एक तरह से देखा जाए तो ये पूरी तरह से उसी फिल्म पर आधारित है उस फिल्म को देखे हुए दर्शकों को बहुत हद तक इस फिल्म में समानता नजर आएगी फिल्म की कहानी दो अलग अलग किरदारों की है जिनकी अपनी अपनी लाइफ में बहुत मुसीबतें हैं तापसू अब तापसी अपनी जान देना चाहती है कोशिश करती है पर सफल नहीं हो पाती उसकी जिंदगी में ताहिर राज भसीन की एंट्री होती है लव के साथ साथ नई मुसीबतें आनी शुरू हो जाती हैं ताहिर की वजह से एक बार फिर दोनों मुसीबत में फंसते हैं और लव के चक्कर में तापसी भी इनमें उलझ जाती है अब इस पूरी फिल्म में तापसी कैसे ताहिर को इस क्राइम के दलदल से निकालती है उसी की कहानी है कहानी इतनी सी जरूर है पर इसमें ट्विस्ट और टर्न बहुत सारे हैं फिल्म में तापसी का काम पहले की तरह ही बेहतरीन है वो रिपीटेड लगने से इस बार थोड़ा सा बच गई हैं। उन्होंने फिल्म में अपने किरदार को बोल्डरी बोल्डली निभाया है ताहिर एक ऐसे अभिनेता हैं जो अपना रेंज दिखा रहे हैं छिछोरे में जो काम किया था वो उससे और आगे ही बढ़ते जा रहे हैं उनकी हर फिल्म और प्रोजेक्ट में उनका काम लोग नोटिस कर रहे हैं यहां भी कमाल के लगे हैं डरे सहमे परेशानी निकलने के लिए हाथ पैर मारते लड़के के किरदार को बखूबी निभाया है दिव्यन्दू भट्टाचार्य ने भी बहुत शानदार काम किया है इस बार वो कुछ अलग कर रहे हैं सारे किरदारों को अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं निर्देशक अच्छा है आकाश भाटिया की तारीफ की जानी चाहिए उन्होंने फिल्म बाकी कहानी अलग ना होने के बावजूद दर्शकों को बांधने में सफल रहे हैं नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है और कुछ नया मिल नहीं रहा तो इसे देखने में क्या ही है? फिल्म आपको एंटरटेन करेगी कुछ शानदार की उम्मीद मत रखिएगा अगर आपने रन लोला रन जिसकी यह हिंदी अपडेटेशन है उसे देखी है तो यह फिल्म आपको बिल्कुल सरप्राइज नहीं करेगी हाँ देसी अंदाज और यहां के किरदार आपको मजेदार लग सकते हैं तो अगर कुछ बहुत स्पेशल नहीं है आपके पास तो इसे आप देख सकते हैं देखिएगा जरूर